हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल डेट इज आईपी ट्रेंड्स। और हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12 का आईपी सिलेबस और उसकी हम फर्स्ट यूनिट जो है वो कवर कर रहे थे। फर्स्ट यूनिट का हाफ से ज्यादा पार्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। हमने लास्ट वीडियो जो है वो डाटा विजुअलाइजेशन स्टार्ट किया था, अगर आपको याद हो तो। फर्स्ट यूनिट का डाटा फ्रेम सीरीज, डाटा हैंडलिंग विद पांडास का पूरा पार्ट कवर हो चुका है। हमने जो लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था वो था हमारा डाटा विजुअलाइजेशन। डाटा विजुअलाइजेशन का हमने पर्पस ऑफ प्लॉटिंग जो है वो स्टडी कर लिया था कि बिग डाटा होता है, डिसीजन मेकिंग के लिए हमें डाटा को ग्राफिकल फॉर्म में, चार्ट की फॉर्म में हमें उसकी जरूरत होती है। वो सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। आज हम डाटा विजुअलाइजेशन का ही पार्ट जो है वो आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। बट आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं, समझ आ रहा है आपको, तो वीडियोस को लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ मैं आपको हर वीडियो में रिपीट कर रही हूँ कि जब भी आप वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको कहीं भी किसी पॉइंट पे कुछ भी डाउट आता है, कोई भी चीज ऐसी है जो आपको नहीं समझ आती है, तो आप कमेंट करके अपने डाउट्स जो है वो पूछ सकते हैं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों के डाउट्स जो है वो क्लियर कर पाऊँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हमने लाइन प्लॉटिंग का थोड़ा सा पार्ट कल डिस्कस किया था कि बेसिक प्लॉट मेथड की हेल्प से हम लाइन चार्ट को ड्रॉ कर सकते हैं, एक्स लेबल, वाई लेबल्स को हमने पढ़ा था। आज हम उसी को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तो हम ये हमारी सुमिता अरोड़ा वाली बुक है जिसे हम यूज कर रहे हैं, जो 12th क्लास में जनरली यूज की जाती है। तो अगर आपको याद हो, ये लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। ये वाला ग्राफ हमने दो सीक्वेंसेस ली थी, मैं आपको दिखा देती हूँ। जिन स्टूडेंट्स ने लास्ट क्लास नहीं देखी है, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार प्रीवियस वीडियो जो है इस वाले की वो आप देख लें। उससे आपको बेसिक आइडिया जो है वो हो जाएगा कि हम क्यों डाटा विजुअलाइजेशन यूज करते हैं, उसका बेसिक पर्पस क्या होता है, और उसके बाद आपको चीजें जो है वो बहुत इजीली समझ आएंगी। बट फिर भी एक बार मैं आपको ब्रीफ में दिखा देती हूँ। सिर्फ प्रैक्टिकल पार्ट से हम स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, हमने तीन सीक्वेंसेस क्रिएट की थी। ए बी सी, ए में हमने रैंडमली कुछ वैल्यूज ले ली थी, ये 1 2 3 4। बी वाली सीक्वेंस में हमने ए की डबल वैल्यूज स्टोर की थी, और सी वाली सीक्वेंस में हमने ए की स्क्वायर वैल्यूज जो है वो स्टोर की थी। उसके बाद अगर हमें ए वर्सेस बी का ग्राफ प्लॉट करना था तो हमने सिंपली सबसे पहले क्या किया था, लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया था, डेट इज इंपोर्ट matplotlib.pyplot एज pl, और उसके बाद हमने ये ग्राफ प्लॉट कर दिया था विद द हेल्प ऑफ प्लॉट मेथड। डेट pl डॉट प्लॉट जब हमने किया तो उसमें हमने आर्ग्यूमेंट क्या दे दिए, जो हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे रखना था वो हमने एज आर्ग्यूमेंट्स यहाँ प्रोवाइड कर दिए थे। इसके बाद हमने ये पढ़ा था कि जब हमने सिंपल pl डॉट प्लॉट कमांड देते हैं तो उस केस में हमारा ग्राफ इस तरीके का ड्रॉ होता है। ये देखिए, यहाँ पे इस ग्राफ में हमारे पास कुछ भी लिखा हुआ नहीं आ रहा, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा एक्स एक्सिस पे क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, वाई एक्सिस पे क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, ये लाइन क्या शो कर रही है, नथिंग। तो इसलिए हमने दो और फंक्शंस के बारे में पढ़ा था, डेट इज एक्स लेबल एंड वाई लेबल। उन्हें भी हम लाइब्रेरी के नाम के साथ यूज करते हैं। तो pl डॉट एक्स लेबल के साथ हम यहाँ पे स्ट्रिंग प्रोवाइड करते हैं, और जो हम ये स्ट्रिंग प्रोवाइड करते हैं वो हमारी एक्स एक्सिस पर लिखी हुई आ जाती है सिंपली। इसी तरीके से pl डॉट वाई लेबल जब हम करते हैं तो यहाँ पे जो हम स्ट्रिंग प्रोवाइड करेंगे वो हमारी y एक्सिस पे लिखी हुई शो होती है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने इन तीनों स्टेटमेंट्स को जब रन किया था तो हमें ये आउटपुट मिला था। एक्स एक्सिस पे हमारा लिखा हुआ आ गया था सम वैल्यूज जो हमने एक्स लेबल में स्ट्रिंग दी थी, वाई एक्सिस पे जो हमने वाई लेबल में स्ट्रिंग दी थी डबल्ड वैल्यूज वो लिखा हुआ आ गया, और बाकी ग्राफ जो है वो सेम है। तो इतना हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। अब इसके बाद इसके अलावा और कौन कौन सी फंक्शनैलिटी होती है हमारे ग्राफ्स में, उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। अभी तक हमने सिंपल ग्राफ ड्रॉ किया है, लाइन ग्राफ, और उसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है वो क्या शो कर रहे हैं वो हमने डिस्प्ले करवाया है। अब इसके अलावा भी जो है वो प्लॉट फंक्शन हमें बहुत सारी फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड करता है। मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी का हम पाइप्लॉट इंटरफेस यूज कर रहे हैं। इस इंटरफेस में बहुत सारे मेथड्स होते हैं ग्राफ्स, चार्ट्स ड्रॉ करने के, बट हम सिर्फ उतने ही कंसीडर करेंगे जितने हमारे सिलेबस के लिए रिक्वायर्ड हैं, और उन फंक्शंस की भी हम सिर्फ उतनी ही फंक्शनैलिटी पढ़ेंगे जो इस वक्त हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि ग्राफ्स में हमारे पास बहुत सारे फीचर्स होते हैं। अगर हम सब फीचर्स को डिटेल में करेंगे तो हम हमारा कोर्स ही नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से सिर्फ जो हमारा 12th क्लास के लिए जितना रिक्वायर्ड है हम उतना ही सिलेबस जो है वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अप्लाइंग वेरियस सेटिंग्स इन प्लॉट फंक्शन। हमने कल प्लॉट फंक्शन पढ़ा था कि प्लॉट फंक्शन जो होता है वो किस लिए होता है, लाइन चार्ट ड्रॉ करने के लिए होता है। अब जब हम लाइन चार्ट ड्रॉ करते हैं तो लाइन चार्ट जो है एक ही ग्राफ में कई बार हमें मल्टीपल चीजें शो करनी होती हैं, और जो हमारे डाटा पॉइंट्स होते हैं हम उनके बारे में भी हमें अलग अलग साइज चाहिए, अलग अलग कलर्स चाहिए, तो उन सारी चीजों को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। The plot function allow you specify multiple settings for your chart graph। जो plot function है वो हमारे chart और graph के लिए हमें बहुत सारी settings जो है provide करता है, जैसे कि color। कलर किस किस चीज का, हमारी लाइन का कलर हो सकता है और जो हमारे डाटा पॉइंट्स थे उनका कलर हो सकता है। मैंने आपको बताया ही था मार्कर क्या होता है, डाटा पॉइंट। आपको याद होगा 9th-10th क्लास में जब आप ग्राफ ड्रॉ करते थे तो पहले आप इस तरीके से, जैसे अगर ये ग्राफ है तो इस ग्राफ में पहले आप डाटा पॉइंट्स जो है वो ड्रॉ करते थे, जैसे फर्स्ट डाटा पॉइंट आपका यहाँ है, सेकंड डाटा पॉइंट यहाँ है, और फिर उनके बाद आप इन्हें ज्वाइन करते थे आपस में, जिससे कि आप ग्राफ को फॉर्म कर पाओ। इस तरीके से ये स्ट्रेट लाइन होगी, ये मैंने यहाँ पे ये सही ड्रॉ नहीं हुआ, ये इस तरीके से जो है आप स्ट्रेट लाइन जो ड्रॉ करते थे ताकि आप इन्हें मिला दो। तो इन डाटा पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं पाइथन में, मार्कर्स कहते हैं। तो इन डाटा पॉइंट का, मार्कर्स का कलर क्या होगा, लाइन कलर क्या होगा, ये सारी सेटिंग्स हम प्लॉट फंक्शन के अंदर प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके अलावा मार्कर का टाइप क्या होगा, यानी कि जो ये डाटा टाइप्स हमने यहाँ पर लिए हैं इनका टाइप क्या हो सकता है, जैसे कि ये डाटा पॉइंट्स जो हैं वो सर्कल शेप के हो सकते हैं, डायमंड की शेप के हो सकते हैं, क्रॉस मार्क हो सकता है, एस्ट्रिक साइन हो सकता है। इस तरीके से कोई भी मार्कर टाइप हम सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, मार्कर साइज। जनरली हमने जो ये लास्ट क्लास में ग्राफ देखा था, इस ग्राफ में हमें मार्कर्स जो हैं वो दिखाई ही नहीं दे रहे थे, हमें सिर्फ एक लाइन ड्रॉ होके दिखाई दी थी। अब अगर हम चाहते हैं हमें हमारे मार्कर्स भी दिखाई दे, हमें हमारे डाटा पॉइंट्स दिखाई दे, तो हम क्या करेंगे, हम उनका थोड़ा सा बड़ा साइज ले लेंगे। इसके अलावा भी और बहुत सारी सेटिंग्स होती हैं, जैसे लाइन का स्टाइल चेंज करना। जैसे अभी यहाँ पे ये जो ग्राफ था ये सिंगल स्ट्रेट लाइन थी, मान लीजिए हम चाहते हैं ये लाइन डॉटेड आए या डैश डॉट आए या डैश डैश करके ये लाइन शो हो, तो उन सब के लिए हमारे पास फीचर्स होते हैं। अब हम 1 by 1 सब फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे, बट हर वीडियो में हम क्या करते हैं, हम सारा पार्ट जो है प्रैक्टिकली साथ साथ करके देखते हैं, तो इस क्लास में भी हम वही करेंगे। बट अब जब हम इन सेटिंग्स को किसी ग्राफ पे अप्लाई करेंगे तो उससे पहले हमारे पास ग्राफ जो है वो ड्रॉ हुआ होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम एक अपना ग्राफ ड्रॉ करके रख लेते हैं। जिन्होंने लास्ट वीडियो देखी थी उन्हें पता भी होगा ये चीज, बट जिन्होंने नहीं देखी थी उनके लिए भी टेंशन की जरूरत नहीं है। मैं आपको पहले एक बार एक ग्राफ ड्रॉ करके दिखा देती हूँ, फिर हम उसी ग्राफ में जो है अलग अलग चेंजेस करेंगे। जब हम ग्राफ पे वर्क कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना है, तो हम मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट matplotlib.pyplot एज पीएल कर लेंगे, ताकि हमें matplotlib.pyplot की जगह हम हर जगह पीएल यूज कर पाए। ठीक है, अब इसके बाद हम 3 सीक्वेंसेस क्रिएट कर लेते हैं जो हमारी बुक में थी। हम चाहे तो और भी कोई भी रैंडम वैल्यूज जो है ले सकते हैं, यहाँ हम 5 वैल्यूज ले लेते हैं इसमें। इसके बाद हमने एक सीक्वेंस ले ली बी, बी में हम इसकी डबल वैल्यूज स्टोर कर लेंगे। 1 का डबल 2 हो गया, 2 का डबल 4 हो जाएगा, 3 के लिए 6, 4 के लिए 8 एंड 5 के लिए हमारा क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमें इनका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो हम सिंपली क्या कर देंगे, pl डॉट प्लॉट, और इसमें हम x एक्सिस के लिए हमें क्या रखना है, a, और y एक्सिस पे हमें डबल वैल्यूज रखनी है, तो उस पे हमने कौन सी सीक्वेंस प्रोवाइड कर दी, b सीक्वेंस। अब इसे सेव करके हम इसे रन करके देखेंगे, तो ये देखिए हमें ये ग्राफ मिल गया। बट आप देख सकते हैं ना यहाँ x एक्सिस पे कोई लेबल है, ना यहाँ y एक्सिस पे कोई लेबल है, तो इस ग्राफ को देखने वाले को नहीं समझ आएगा कि ये ग्राफ जो है हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसलिए हम इसमें एक्स लेबल और वाई लेबल्स जो हैं वो ऐड कर देते हैं। एक्स लेबल और वाई लेबल भी हम लाइब्रेरी के नाम के साथ ऐड करते हैं, तो pl डॉट एक्स लेबल, और इसमें हम वो स्ट्रिंग दे देंगे जो हमें एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करनी है। एक्स एक्सिस पे हमने रैंडमली कुछ वैल्यूज लिखी है, तो हम दे देते हैं सम वैल्यूज। ठीक है, सिमिलरली y एक्सिस पे उसकी डबल वैल्यूज डिस्प्ले हो रही हैं। y एक्सिस के लिए हम कमांड देते हैं pl डॉट वाई लेबल, और इस बार इसमें हम स्ट्रिंग क्या प्रोवाइड कर देंगे, डबल वैल्यूज, क्योंकि y एक्सिस पे हमने क्या रखी है, डबल वैल्यूज जो है वो शो की है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे डबल वैल्यूज, ठीक है। अब जब हम इसे रन करेंगे तो हमारे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे भी जो है लेबल्स आएंगे। ये देखिए एक्स एक्सिस पे सम वैल्यूज लिखा रहा है, वाई एक्सिस पे हमारा डबल वैल्यूज लिखा हुआ है और बाकी ग्राफ जो है वो बिल्कुल सेम है जो कि प्रीवियस केस में था। अब इस ग्राफ पे हम अलग अलग सेटिंग्स करेंगे जिनके बारे में हम वन बाय वन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हम पढ़ रहे हैं चेंजिंग लाइन कलर। अभी हमने देखा कि हमारे ग्राफ की जो ये लाइन थी वो ब्लू कलर की आ रही थी, बट हमने ऐसा कहीं स्पेसिफाई नहीं किया कि हमारे ग्राफ में जो है वो लाइन ब्लू कलर की होनी चाहिए। तो अगर हम अपनी मर्जी का कलर चूज करना चाहते हैं अपने ग्राफ के लिए तो वो हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लॉट फंक्शन, ठीक है। कैसे कर सकते हैं वो ये देखिए, टू चेंज लाइन कलर, अगर लाइन का कलर आपको चेंज करना है यू कैन स्पेसिफाई द कलर कोड नेक्स्ट टू द डाटा बीइंग प्लॉटेड इन प्लॉट फंक्शन। तो जब हम प्लॉट फंक्शन लिखते हैं तो प्लॉट फंक्शन में पहले दो आर्ग्यूमेंट तो हमें डाटा ही देना पड़ता है, यानी कि जो एक्स एक्सिस पे डाटा लेना है वो और जो वाई एक्सिस पे डाटा लेना है वो, ये दोनों तो हमें सबसे पहले लेने पड़ते हैं। उसके बाद हम क्या लिख देते हैं, वो कलर कोड जिस कलर का हमें क्या चाहिए अपने ग्राफ की लाइन चाहिए। ये कलर कोड आपका बुक में टेबल भी दी हुई है, आप उसमें से कोई भी कलर कोड सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे कलर कोड्स होते हैं, वो आप पाइथन डॉक्यूमेंटेशन से जो है चेक कर सकते हैं, बट मेन मेन कलर्स की लिस्ट आपको यहाँ बुक में ही दी हुई है। मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ये देखिए। अगर हमें ब्लू कलर चाहिए तो हम या तो डायरेक्टली ब्लू लिख सकते हैं या फिर एक सिंगल कैरेक्टर बी से भी उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ग्रीन कलर के लिए या तो आप ग्रीन मेंशन कर सकते हो या फिर आप कोट्स में जी मेंशन करोगे। रेड कलर के लिए हमारे पास सिंबल होता है आर, मैजेंटा के लिए होता है एम, येलो के लिए वाई, ब्लैक के लिए के, सियन के लिए सी होता है और व्हाइट कलर के लिए हमारे पास सिंबल क्या है डब्ल्यू। अब आप इस टेबल में ये देखिए ज्यादातर जितने भी सिंबल्स हैं वो सब अपने फर्स्ट अल्फाबेट लिया है, ठीक है। जैसे ब्लू के लिए हमने बी ले लिया, ग्रीन के लिए जी, रेड के लिए आर, मैजेंटा के लिए एम। सिर्फ ब्लैक एक ऐसा कलर है जिसका फर्स्ट अल्फाबेट की जगह कोई और हमने सिंबल सिलेक्ट किया है। और ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि ब्लैक का फर्स्ट अल्फाबेट क्या है बी। बी हम ऑलरेडी ब्लू के लिए ले चुके हैं, बी जो है वो ब्लू को रिप्रेजेंट करता है, तो हम ब्लैक के लिए बी तो नहीं ले सकते। तो इसके लिए जो सिंबल डिसाइड हुआ वो क्या हुआ, के सिंबल डिसाइड हुआ। इनफैक्ट आप इसे बहुत रिजेंबल भी कर सकते हो। ब्लैक को हिंदी में क्या कहते हैं हम, काला। तो हिंदी वाले जो हमारा ये प्रोनाउंसिएशन है उसका हमने फर्स्ट अल्फाबेट ले लिया यहाँ पे के। तो इनमें से आप कोई भी कलर कोड जो है वो स्पेसिफाई कर सकते हो जिस भी कलर की आपको लाइन चाहिए। यू कैन यूज कलर कोड एज आर फॉर रेड, वाई फॉर येलो, जी फॉर ग्रीन, ब्लू फॉर ब्लू एक्सेट्रा। और ये कंप्लीट टेबल जो है वो हमें 3.1 में दी है जो मैंने अभी अभी आपको दिखाई। तो अब अगर हमें ये चेंजेस करने हैं, ये चेंजेस हमें अपने कोड में अप्लाई करने हैं, तो उसके लिए देखिए इन्होंने एक नया ग्राफ क्रिएट किया है। सबसे पहले दोनों लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर लिया। मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि इस चैप्टर में हम सीक्वेंसेस और एरेज को यूज करके ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो अभी अभी हमने जो ग्राफ ड्रॉ किया है वो हमने सीक्वेंस को यूज करके ड्रॉ किया है, यानी कि हमने सिंपल लिस्ट क्रिएट की और उसकी हेल्प से जो है ग्राफ ड्रॉ कर दिया। बट आप चाहें तो आप एरे की हेल्प से भी ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं, और एरे के केस में हमारे लिए फंक्शनैलिटी जो है बहुत आसान हो जाती है। अभी तो हमें लिस्ट में सिर्फ उसका डबल और स्क्वायर स्टोर किया था, लेकिन मान लीजिए अगर हमें उसके साइन कोस की, लॉग की वैल्यू स्टोर करनी है तो उस केस में हम खुद से वैल्यूज कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो वहां हम numpy लाइब्रेरी के फंक्शंस जो हैं वो यूज करेंगे, और वो फंक्शन हम सिर्फ एरेज पे यूज कर सकते हैं। इसलिए हमारे लिए बेटर होता है कि हम हमेशा एरे यूज करें, और एरे जो है वो numpy लाइब्रेरी की हेल्प से क्रिएट होते हैं। तो इसलिए हमने दोनों लाइब्रेरीज को इंपोर्ट किया, इंपोर्ट numpy एज np। ये लाइब्रेरी हमने एरे क्रिएशन के लिए और एरे के फंक्शंस को यूज करने के लिए की, और दूसरा इंपोर्ट matplotlib.pyplot एज plt, ये हमने ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए की। सबसे पहले हमने इन दोनों लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर लिया। अब उसके बाद ग्राफ ड्रॉ करने से पहले हमें वो डाटा चाहिए जिस डाटा को हम ग्राफ पे प्लॉट करना चाहते हैं। अब हमें उसके लिए एरे चाहिए, तो यहाँ पे हमने एक एरे क्रिएट किया एक्स। एरे को क्रिएट करने का यहाँ हमने कौन सा मेथड यूज किया है, अरेंज मेथड। जिन स्टूडेंट्स को एरे क्रिएशन नहीं आती है वो numpy वाली जो प्लेलिस्ट है उसकी वीडियोस, उसकी बेसिक वीडियोस देख सकते हैं। स्टार्टिंग की वीडियोस में ही हमने एरे क्रिएशन के काफी मेथड्स पढ़े हैं, जैसे लिनस्पेस हो गया, अरेंज, एरे फ्रॉम इटर, इस तरीके के कई मेथड्स हमने एरे क्रिएशन के लिए पढ़े हैं, उसमें से कोई भी मेथड आप यहाँ यूज कर सकते हो। अरेंज जो है वो हमारा सबसे सिंपलेस्ट मेथड होता है। ये फर्स्ट जो वैल्यू है वो हमारी स्टार्टिंग वैल्यू होती है, यानी कि यहाँ से हमारे नंबर्स जो हैं वो जनरेट होना शुरू होंगे। तो ये जीरो है, यानी कि फर्स्ट नंबर हमारा क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। रेंज हमने क्या दी है, 10 तक दी है, तो यानी कि 0 से लेके 10 के बीच में नंबर्स जनरेट होंगे, लेकिन 10 इंक्लूड नहीं होगा। 0 इंक्लूड होता है जो स्टार्ट वैल्यू है, बट जो स्टॉप वैल्यू है वो इंक्लूड नहीं होती, तो 10 इंक्लूड नहीं होगा। कितने के स्टेप पे होंगे, 0.1 के स्टेप पे होंगे, यानी कि पहले 0, फिर 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, इस तरीके से जो है वो नंबर्स जनरेट होंगे 0.11 के डिफरेंस पे, क्योंकि ये जो है ये हमें स्टेप बताता है कि कितने के डिफरेंस पे कितने कितने स्टेप पे जो है वो नंबर्स जनरेट होंगे। तो इसकी हेल्प से हमारा एक एरे एक्स जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमने एक एरे और ले लिया ए। जब हम एक एरे की कोस वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे तो हमें रिटर्न में क्या मिलेगा, एक नया एरे जिसमें सारी की सारी कौन सी वैल्यूज स्टोर होंगी, कोस वैल्यूज। इसी तरीके से जब हम इसकी साइन वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे तो भी हमें एक एरे मिलेगा। तो ए और बी में जो है वो हमारे दोनों एरे स्टोर हो गए। ए में जो है एक्स की कोस वैल्यूज स्टोर हैं और बी में जो है एक्स की वाई वैल्यूज स्टोर्ड हैं। तो ये दोनों एरे जो है वो क्रिएट हो गए। अब इसके बाद हमें इन्हें प्लॉट करना है। तो अगर हमें इन्हें अलग अलग ग्राफ्स में प्लॉट करना है तो हम अलग अलग स्टेटमेंट्स देंगे, बट अगर हमें एक ही ग्राफ पे साइन और कोस दोनों की वैल्यूज शो करनी है तो हम दोनों को एक साथ कर सकते हैं, क्योंकि हम एक ही स्क्रिप्ट में दोनों लाइन जो है वो दे देंगे। अब यहाँ पे देखिए कैसे, plt.plot x, a, ये देखिए x, a, यहाँ पे ये दोनों डाटा पॉइंट है, यानी कि x एक्सिस पे कौन सा एरे आ जाए, जो ये ऊपर हमने x एरे क्रिएट किया था ये वाला एरे हमारा x एक्सिस पे शो हो जाएगा। ठीक है, y एक्सिस पे हमने कौन सा एरे लिया है, एरे a, ये वाला जो एरे है ये हमने y एक्सिस पे लिया। कलर कोड क्या दिया, ब्लू, यानी कि ये वाली जो कॉस की वैल्यूज है वो वाली वैल्यूज हमारी ब्लू लाइन से रिप्रेजेंट होंगी। सिमिलरली एक ग्राफ हमने और प्लॉट किया, एक्स एक्सिस पे तो हमें सेम ही रखना पड़ेगा क्योंकि हम सेम ग्राफ में प्लॉट कर रहे हैं। वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया, बी एरे, बी एरे में क्या थी हमारी साइन वैल्यूज जो थी वो स्टोर थी, और इसके लिए हमने कलर कोड क्या लिया, आर, यानी कि ये किस में डिस्प्ले होगा, रेड कलर में डिस्प्ले होगा। तो उसके बाद जब हम इसे रिप्रेजेंट करवाएंगे तो हमारे ग्राफ में जो है वो दोनों लाइंस इस तरीके से शो हो जाएंगी। ये जो ब्लू लाइन है हमारी, ये हमारी कोस वैल्यूज शो कर रही है, और ये जो रेड लाइन है ये हमारी साइन वैल्यूज जो है वो स्टोर कर रही है। हम इस पार्ट को प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। उसे करने से पहले मैं आपको इसी में जो है कलर कोड्स ऐड करके दिखाऊंगी। ये जो चार्ट हमने ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है, मान लीजिए मैं यहाँ पे कलर कोड दे देती हूँ आर। अब जब मैं इसे रन करूंगी तो हमारी लाइन देखिए, ये लाइन जो है वो किस कलर की आ गई, रेड कलर की आ गई। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं यहाँ कलर कोड दे देती हूँ जी, जी किसके लिए होता है, ग्रीन के लिए होता है। तो अब इसे सेव करके जब हम रन करेंगे तो ये देखिए इस बार हमारा ग्राफ किस कलर पे आ गया, ग्रीन कलर में आ गया। ठीक है, ये वाला जो हमने किया था ये हमने सीक्वेंस की हेल्प से किया था। अब हम एक काम करते हैं, हम एरे की हेल्प से कर लेते हैं, तो हम इसे हटा देते हैं। एरे के लिए हमें numpy लाइब्रेरी की भी जरूरत होगी, तो हम उस लाइब्रेरी को भी इंपोर्ट कर लेंगे, इंपोर्ट numpy as np। ठीक है, ये लाइब्रेरी हमने इंपोर्ट कर ली। अब हम एरे क्रिएट करेंगे। एरे क्रिएट करने के लिए हम वही मेथड यूज कर लेते हैं जो हमारी बुक में यूज किया गया है, अदरवाइज आप कोई भी मेथड जो है वो यूज कर सकते हैं। तो np डॉट अरेंज, और इसमें ब्रैकेट्स में हम क्या देंगे, स्टार्ट स्टॉप की वैल्यू। मान लीजिए हम 0 से स्टार्ट ना करके 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, 1 से लेके हमने क्या दिया, 11 तक दिया, और हमने यहाँ पे गैप ले लिया 2 का। ठीक है, अब पहले ग्राफ से पहले मैं आपको एक बार ये एरे प्रिंट करवा के दिखा देती हूँ, प्रिंट एक्स। ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए कि ये ग्राफ जो है वो क्या शो कर रहा है। इसे हमने रन किया तो ये देखिए इस ग्राफ में कौन कौन से, इस एरे में कौन कौन से नंबर्स जनरेट हुए, 1, 3, 5, 7 और 9। क्योंकि हमारी स्टार्टिंग वैल्यू 1 थी तो हमारे नंबर्स जो है वो 1 से जनरेट होना स्टार्ट हुए। 11 तक जाएंगे बट 11 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि स्टॉप की वैल्यू इंक्लूड नहीं होती। स्टेप की वैल्यू हमने 2 ली, यानी कि 2-2 के डिफरेंस पे नंबर्स जो हैं वो जनरेट होंगे। तो पहले 1-1 के बाद 3-3 के बाद 5-5 के बाद 7-7 के बाद 9-9 के बाद नेक्स्ट नंबर 11 आता, बट 11 जो है वो स्टॉप की वैल्यू है तो 11 इंक्लूडेड नहीं होगा, इसलिए ये नंबर्स जो हैं वो जनरेट हुए। अब हम इसकी साइन वैल्यूज कैलकुलेट कर लेते हैं, साइन और कॉस वैल्यूज। हमने एक एरे लिया ए में हम इसकी साइन वैल्यूज रख लेंगे और कॉस वैल्यूज रख लेंगे। कॉस के लिए हमारे पास फंक्शन होता है कोस। नंपाई लाइब्रेरी में फंक्शंस के नाम बहुत इजी होते हैं, जो वो एक्चुअली में परफॉर्म कर रहे होते हैं वही उसमें फंक्शन का नाम होता है। यहाँ हम एरे दे देंगे एक्स, क्योंकि हम एक्स का कैलकुलेट कर रहे हैं कोस वैल्यूज। अब मैं आपको ये एरे ए प्रिंट करवा के जो है वो दिखा देती हूँ कि एरे ए में कौन सी वैल्यूज जो है प्रिंट हुई। ये देखिए हर नंबर की जो कॉस वैल्यू है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गई। सिमिलरली अगर हम इसकी साइन वैल्यूज को लें, b इज इक्वल टू np डॉट साइन, और इसमें हम प्रोवाइड क्या करेंगे x एरे, क्योंकि हमें एरे x की साइन वैल्यूज लेनी है। और अब मैं यहाँ पे आपको b वैल्यू डिस्प्ले करके दिखा देती हूँ। इसे रन किया, ये देखिए ये इसकी क्या आ गई, साइन वैल्यूज आ गई। ठीक है, अब हम इसके लिए ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो पहले हम सिंगल ग्राफ प्लॉट करते हैं। लाइब्रेरी का हमने कैसे इंपोर्ट किया है, एज pl, तो pl यूज करेंगे, pl डॉट प्लॉट। प्लॉट के अंदर हम x एक्सिस पे हमें सिंपल एरे रखना है अपना, और y एक्सिस पे हम चाहते हैं कि कॉस वैल्यूज रिप्रेजेंट हों। तो अगर सिर्फ हम इतना करेंगे और इसे रन करेंगे तो ये देखिए ये हमें जो है वो ग्राफ शो हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे ग्राफ की शेप जो है अलग है, क्योंकि हमने वैल्यूज जो हैं वो अलग ली हैं। हमारी बुक में वैल्यूज जो थी वो 0 से 10 तक थी और 0.1 के गैप पे थी, बट हमने 1 से 11 लिया है और गैप भी 2 का लिया है। अगर आप इन वैल्यूज को चेंज कर दो, इन्हें आप ले लो 0, 10, 0.1, तो इस केस में जब आप इसे रन करेंगे तो ये देखिए ग्राफ जो है वो आपको बिल्कुल सिमिलर मिला जो आपकी बुक में था। क्योंकि ग्राफ तो आपकी डाटा वैल्यूज पे डिपेंड करता है, जिस तरीके की आप डाटा वैल्यूज लेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका ग्राफ का स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाएगा। अब अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पे pl डॉट प्लॉट, इसी में मुझे साइन वाला भी प्लॉट करना है, तो pl डॉट प्लॉट, एक्स एक्सिस पे तो यही x की वैल्यू रहेंगी, लेकिन इस बार y एक्सिस पे मुझे साइन वैल्यूज चाहिए तो मैंने b दे दिया। अब एक चीज नोटिस कीजिए, हम दो ग्राफ को सेम उसमें प्लॉट कर रहे हैं, बट यहाँ पे हमने कोई कलर कोड नहीं दिया है। तो कोई कलर कोड नहीं दिया है इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों ही लाइंस ब्लू कलर की डिस्प्ले हो जाएंगी। जब हमने कोई कलर कोड नहीं दिया है तो पाइथन अपने आप से रैंडमली दोनों ग्राफ्स के लिए कोई अलग अलग कलर चूज कर लेता है। जैसे कि ये देखिए मैं आपको इसे रन करके दिखाती हूँ। इस केस में भी आप देख सकते हैं आपको दोनों जो है वो अलग अलग कलर मिले, लेकिन यहाँ पे जो है वो पाइथन ने खुद से अपनी मर्जी से कलर्स जो हैं वो चूज किए हैं। आप चाहें तो अपने खुद के डिफाइन कर सकते हैं। मान लीजिए कोस वैल्यूज में रेड कलर से रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ और जो साइन वैल्यूज हैं उन्हें मैं ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ। ठीक है, अब जब हम इसे रन करेंगे तो अभी देखिए ये ब्लू और ऑरेंज आ रही थी, बट अब ये रेड और ग्रीन कलर की आएंगी। इसे हमने रन किया तो ये देखिए ये लाइंस जो है वो हमारी रेड और ग्रीन कलर की आई। जो हमारी रेड लाइन है वो कोस वैल्यूज को शो कर रही है और जो ग्रीन लाइन है वो साइन वैल्यूज को शो कर रही है। ठीक है, इस तरीके से जो है हम अपनी लाइंस के लिए, ग्राफ के लिए कलर्स को चेंज कर सकते हैं। टेबल हमारे पास गिवन है, उस टेबल में से हम कोई भी कलर कोड यूज करके अपने ग्राफ के कलर्स जो है वो डिजाइन कर सकते हैं। Please note that even if you skip the color information in plot function, अगर plot function में आपने color information को skip कर दिया, Python will plot multiple lines in the same plot with different color। तो Python भी जो है वो खुद से उन multiple lines को different color से ही plot करेगा। ऐसा नहीं है कि आपने color code नहीं दिया तो वो same color से plot कर देगा। But these colors are decided internally by Python। But ये color जो है वो Python खुद से डिसाइड करता है उस केस में, क्योंकि हमने कोई कलर कोड नहीं दिया होता। इसके बाद ये टेबल मैं अभी आपको करवा ही चुकी हूँ कि कौन कौन से कलर कोड्स हमारे पास होते हैं। हम चाहें तो पूरी की पूरी ये स्ट्रिंग दे सकते हैं, चाहें तो ये सिर्फ सिंबल प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर हेक्सा स्ट्रिंग भी होती है। हर कलर के लिए एक हेक्सा कोड भी होता है, हम चाहें तो वो कोड्स भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, बट जनरली हमारे कोडिंग प्रैक्टिस में हम कभी भी हेक्सा स्ट्रिंग स्पेसिफाई नहीं करते। हम या तो नॉर्मल स्ट्रिंग देंगे रेड ग्रीन येलो ब्लू ब्लैक, और या फिर ये सिंबल्स प्रोवाइड करेंगे जो हमें यहाँ पे गिवन है बी जी आर एम वाई के, इस तरीके से। ठीक है, अब ये तो हो गया कलर चेंज करने का। कलर के साथ साथ अगर आपको लाइन स्टाइल चेंज करना है, ठीक है, जो हमारी जो अभी ये लाइन थी, अभी तो ये लाइन जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट सिंपल लाइन्स आ रही हैं, बट अगर हमें ये लाइन्स डॉटेड चाहिए, डैश चाहिए, तो वो हम किसकी हेल्प से चेंज कर सकते हैं? विद द आर्ग्यूमेंट लाइन स्टाइल। प्लॉट फंक्शन के अंदर ही एक ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट होता है लाइन स्टाइल। अगर हम लाइन स्टाइल को स्पेसिफाई करते हैं, उसके लिए हम या तो कीवर्ड लाइन स्टाइल यूज कर सकते हैं और या फिर एलएस यूज कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी कीवर्ड यूज कर सकते हैं और उस कीवर्ड के साथ हम इन चारों में से कोई भी एक वैल्यू जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। यानी कि हमारी लाइन का स्टाइल या तो सॉलिड हो सकता है, जो हमने अभी अभी देखा वो सॉलिड स्टाइल था, या फिर डैश लाइन हो सकती है, या फिर डैश डॉटेड लाइन हो सकती है, या फिर डॉटेड लाइन हो सकती है। ये मैं आपको एक बार सारा कर करके दिखा देती हूँ। इन्हीं में हम लाइन स्टाइल जो है वो ऐड कर देते हैं, कोमा लाइन स्टाइल इज इक्वल टू लाइन स्टाइल के आगे हम उनमें से कोई भी जो है, हमने यहाँ पे ये देखिए चार स्टाइल्स पड़े थे, इनमें से हम कोई भी स्टाइल जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डैश वाला अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, अब हम जब इसे रन करेंगे, इसे हम यहाँ पे कोट्स में लेंगे, ठीक है, जब भी हमें कोई स्ट्रिंग देनी होती है हम हमेशा उसे कोट्स में लिखते हैं। अब हम इसे रन करेंगे तो ये देखिए, ये जो हमारी रेड वाली लाइन थी जो हमारी कोट्स के लिए थी, उसके लिए हमने लाइन स्टाइल डैश दिया, तो ये लाइन जो है अब हमारी किस फॉर्मेट में आ रही है? डैश डैश के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट हो रही है। ठीक है, आई होप ये चीज सबको समझ आ रही होगी। फिर भी अगर किसी भी स्टूडेंट को चीजें समझ ना आ रही हो तो आप कमेंट करके अपने डाउट्स जो हैं वो पूछ सकते हैं। इसी तरीके से अगर हमें स्टाइल डॉटेड चाहिए, मान लीजिए हम ये ग्रीन वाली जो लाइन है साइन की लाइन, इसे हम डॉटेड फॉर्म में चाहते हैं, लाइन स्टाइल की जगह हम एल एस भी यूज कर सकते हैं, हमने अभी बुक में देखा, तो यहाँ पे हम दे देते हैं डॉटेड। अब जब हम इसे रन करेंगे तो ये ग्रीन रेड वाली जो है वो तो हमारी डैश फॉर्म में आई और ग्रीन वाली देखिए वो डॉटेड फॉर्म में हमारी शो हुई है। हम चाहे तो हम इसे डैश डॉट भी कर सकते हैं। मान लीजिए हम एक रेड वाली को हम कर देते हैं डैश डॉट। अब जब हम इसे रन करेंगे तो ग्रीन वाली लाइन जो है वो देखिए वो डैश डॉट के फॉर्म में आ रही है, और सॉरी रेड वाली लाइन जो है वो डैश डॉट के फॉर्म में आ रही है और ग्रीन वाली लाइन जो है वो डॉटेड फॉर्म में शो हो रही है। और लाइन स्टाइल स्पेसिफाई करने के लिए आप डायरेक्टली लाइन स्टाइल भी लिख सकते हैं और या फिर आप एल एस भी लिख सकते हैं। इन दोनों में से कोई भी आर्ग्यूमेंट आप यूज कर सकते हैं लाइन स्टाइल को चेंज करने के लिए। ओके, तो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टाइप जो है, नेक्स्ट फीचर, चेंजिंग मार्कर टाइप साइज एंड कलर। अभी तो हमने देखा लाइन के बारे में कि ग्राफ में जो हमारी लाइन ड्रॉ हुई उस लाइन का कलर हम कैसे चेंज कर सकते हैं और उस लाइन का स्टाइल हम कैसे चेंज कर सकते हैं। बट इसके अलावा हमारे जो डाटा पॉइंट्स होते हैं जिन्हें हम मार्कर कहते हैं, उन मार्कर्स का भी हम टाइप भी चेंज कर सकते हैं, साइज भी और कलर भी। कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। Recall that data points being plotted are called markers. कि जो डाटा पॉइंट्स हमारे ग्राफ में होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मार्कर कहते हैं। लेकिन अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कोई डाटा पॉइंट दिखाई नहीं दे रहा होगा, हमारी सिंपली लाइंस जो हैं वो ड्रॉ हुई है। ठीक है, टू चेंज मार्कर टाइप, अगर हमें मार्कर्स का टाइप चेंज करना है या फिर उसका हमें साइज चेंज करना है या फिर हमें उसका कलर चेंज करना है, हमें अगर इसमें से कोई भी काम करना है, वी कैन गिव फॉलोइंग एडिशनल ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट्स इन प्लॉट फंक्शन। तो उसके लिए हम प्लॉट फंक्शन में ये अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर हमें मार्कर का टाइप चेंज करना है तो उसके लिए हम कीवर्ड यूज करते हैं मार्कर। ठीक है, अगर हम मार्कर आर्ग्यूमेंट स्पेसिफाई कर देते हैं तो उससे हमारे मार्कर का टाइप जो है वो चेंज हो जाता है। जो टाइप हम यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे उसी टाइप का हमारा मार्कर जो है वो बन जाएगा। अब मार्कर हम किस किस टाइप का स्पेसिफाई कर सकते हैं, लाइक हमें सर्कल चाहिए, क्रॉस, डायमंड, तो वो सारे जो है हमें यहाँ बुक में टेबल गिवन है, वो टेबल मैं अभी आपको शो कर देती हूँ। ये देखिए, ये हमारे मार्कर्स के लिए हमें कंप्लीट टेबल जो है वो गिवन है। अगर हमें सिर्फ पॉइंट की फॉर्म में मार्कर चाहिए तो हम इस तरीके से उसका सिंबल देंगे, पिक्सल की फॉर्म में चाहिए तो हम कोमा लगाएंगे, सर्कल की फॉर्म में चाहिए तो हम ओ लिखेंगे, प्लस मार्कर के लिए हम प्लस सिंबल यूज करते हैं, क्रॉस मार्क के लिए हम क्रॉस सिंबल यूज करते हैं। अगर हम चाहते हैं हमारा जो मार्कर है वो डायमंड की शेप में बन के आए तो उसके लिए हम कैपिटल डी यूज करते हैं। और अगर हम चाहते हैं थिन डायमंड, क्योंकि डायमंड दो तरह के होते हैं, एक तो पूरा फील्ड होता है और एक सिर्फ हमारी आउटलाइन होती है, वो अंदर से ब्लैंक होता है, तो उसके लिए हम स्मॉल डी यूज करते हैं। स्क्वायर मार्क के लिए एस, पेंटागन के लिए पी, स्टार मार्कर के लिए हम स्टार यूज करते हैं। इस तरीके से ये सारे सिंबल्स जो हैं ये हमारे मार्कर्स के लिए यूज होते हैं। इनमें से कोई भी सिंबल जो है वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं, उसी टाइप का हमारा मार्कर जो है वो ड्रॉ हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो है हमारा मार्कर साइज। मार्कर साइज हम पॉइंट्स में देते हैं, हम कोई भी मार्कर साइज जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आता है मार्कर एज कलर। मार्कर एज कलर जो है वो हमारा कोई भी वैलिड कलर हो सकता है। जो हमने अभी कलर कोड्स की टेबल पढ़ी उसमें से हम कोई भी कलर यहाँ स्पेसिफाई कर सकते हैं, उसी कलर का हमारा मार्कर जो है वो चेंज हो जाएगा। यू कैन कंट्रोल द टाइप ऑफ मार्कर दैट इज डॉट, क्रॉस और डायमंड एटसेट्रा बाय स्पेसिफाइंग डिजायर्ड मार्कर टाइप फ्रॉम द टेबल बिलो। तो मैंने वो टेबल आपको दिखाई दी है, उस टेबल में से हम किसी भी तरीके का मार्कर जो है वो स्पेसिफाई कर सकते हैं। इफ यू डू नॉट स्पेसिफाई मार्कर टाइप, अगर हम कोई भी मार्कर टाइप जो है वो स्पेसिफाई नहीं करेंगे, देन डाटा पॉइंट्स will not be marked specifically on the line chart। तो ये तो हम देख ही चुके हैं कि अगर हम मार्कर टाइप स्पेसिफाई नहीं करते तो हमें कोई भी डाटा पॉइंट जो है वो दिखाई नहीं देते, क्योंकि आपने अभी ये लाइंस देखी ही थी। इन लाइंस में क्या हमें कोई भी मार्कर पॉइंट दिखाई दे रहा था? नहीं दे रहा था। हमें तो सिंपल यहाँ पे लाइंस जो है वो ही शो हो रही थी। तो जब तक हम मार्कर टाइप स्पेसिफाई नहीं करते, डाटा पॉइंट्स विल नॉट बी marked specifically on the line chart and its default type will be same as that of the line type। तो डाटा पॉइंट्स जो है वो दिखाई नहीं देते हैं और उनका जो टाइप है वो डिफॉल्ट टाइप कौन सा होता है, जिस टाइप की हमारी लाइन है उसी टाइप का वो मार्कर जो है ड्रॉ होता है और इसी वजह से वो हमें दिखाई नहीं दे पाता। इसके साथ साथ आप मार्कर साइज दे सकते हो। मार्कर साइज इज टू बी स्पेसिफाइड इन पॉइंट्स एंड मार्कर एज कलर मस्ट बी अ वैलिड कलर। तो मार्कर साइज आप कुछ भी प्रोवाइड कर सकते हो और मार्कर एज कलर भी आप कोई भी वैलिड कलर जो है वो प्रोवाइड कर सकते हो। तो एक बार हम इन चीजों को करके देख लेते हैं, बुक से एग्जांपल देखें उससे पहले हम एक बार खुद से इसी में चेंजेस करके देख लेते हैं। फिलहाल मैं ये लाइन स्टाइल जो है वो यहाँ से हटा देती हूँ ताकि आप लोग मार्कर्स जो है वो इजीली आइडेंटिफाई कर पाओ, क्योंकि लाइन स्टाइल के साथ में भी कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो। बाद में हम इन्हें कंबाइन कर लेंगे। फिलहाल देखिए, अब जब हम यहाँ पे मार्कर देंगे, लाइन स्टाइल मैं दे देती हूँ। लाइन स्टाइल मैं सॉलिड प्रोवाइड कर देती हूँ। यहाँ सॉलिड यानी कि सिंपल लाइन जो है वही ड्रॉ होगी हमारी। कॉमा ls इज इक्वल टू सॉलिड। इसे मैं आपको रन करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, मैंने आपको बताया ही था कि जो पहले हमारा डिफॉल्ट जो ड्रॉ हो रहा था वो सॉलिड लाइंस होती हैं, तो इसमें हम हर तरह के मार्कर को इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे, इसलिए मैंने ये सॉलिड लाइंस यहाँ रखी है। अब हम देते हैं मार्कर टाइप, ठीक है। तो हम यहाँ आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड करेंगे मार्कर। मार्कर इज इक्वल टू, मान लीजिए मुझे सर्कल की शेप में चाहिए मार्कर, तो यहाँ पे मैंने दे दिया ओ। जो हमारी साइन वाली लाइन है यानी कि ग्रीन लाइन है, उसमें भी हम मार्कर दे देते हैं। मार्कर इज इक्वल टू, यहाँ पे हम क्रॉस मार्क की फॉर्म में दे देंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक्स जो है वो स्पेसिफाई कर देंगे, ठीक है। अब हम इसे रन करेंगे तो ये देखिए, ये हमें सारे डाटा पॉइंट्स जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं ये अलग अलग डाटा पॉइंट्स जो थे। रेड वाली लाइन पे हमने ओ लिया था तो सर्कल की फॉर्म में डाटा पॉइंट्स आए हैं, और ग्रीन वाली पे हमने क्रॉस मार्क लिया था तो क्रॉस मार्क की फॉर्म में जो है वो डाटा पॉइंट्स आए हैं। अब आप देख रहे होगे कि ये तो पूरी लाइन ही फिल हो गई, क्योंकि आप देखिए हमने यहाँ पे रेंज क्या ली थी, 0 से 10 तक, और कितने कितने के डिफरेंस पे 0.1 के, तो हमारे पास 100 वैल्यूज थी, यानी कि ये टोटल 100 डाटा पॉइंट्स हैं, इसलिए ये पूरी लाइन ऐसे फिल्ड आ रही है। मान लीजिए हम ये स्टेप 0.1 की जगह 0.5 कर देते हैं, ठीक है। अब हमारे कम हो गए डाटा पॉइंट्स, तो अब जब हम इसे रन करेंगे तो ये देखिए हमारे डाटा पॉइंट्स जो है वो कम हो गए। यहाँ 0.5 की जगह अगर हम इसे 1 कर दें तो हमारे डाटा पॉइंट्स और भी ज्यादा कम हो जाएंगे। इस केस में तो हमारे टोटल ही सिर्फ 10 पॉइंट्स हुए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो इसलिए इसे जब रन करेंगे तो ये देखिए अब हमारे डाटा पॉइंट्स जो है वो और भी ज्यादा कम हो गए। तो हम जो भी डाटा वैल्यूज लेते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमारे डाटा पॉइंट्स ड्रॉ होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमारे ग्राफ की जो है वो शेप चेंज होती रहती है। तो यहाँ पे हम मार्कर टाइप जो है वो स्पेसिफाई कर सकते हैं। मार्कर टाइप के साथ साथ हम मार्कर साइज भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मार्कर साइज प्रोवाइड करेंगे। मार्कर साइज आपने देखा था कि मार्कर साइज जो है वो हम कुछ भी प्रोवाइड कर सकते हैं, उसके लिए हमें यहाँ पे कोई स्पेसिफिक रेंज नहीं दी हुई। यहाँ पे उन्होंने सिर्फ ये लिखा हुआ है कि मार्कर साइज हमें पॉइंट्स में देना है, और वो भी जरूरी नहीं होता क्योंकि अगर आप सिंपल इंटीजर भी लिखते हो तो वो अपने आप से डेसिमल 0 लगा देता है। जैसे अगर आपने 2 दिया तो वो 2.0 बन जाता है, 3 दिया तो 3.0। तो आप नॉर्मल कोई भी इंटीजर में जो है वो मार्कर साइज स्पेसिफाई कर सकते हो। तो यहाँ मार्कर साइज इज इक्वल टू मान लीजिए हम दे देते हैं 3। ठीक है, अब हम इसे रन करते हैं तो ये देखिए पहले जो थे हमारे डॉट्स बड़े थे, अब ये हमने क्योंकि साइज कम दिया है तो ये रेड वाले डॉट्स जो हैं वो बहुत ही छोटे हो गए। इस वाले ग्रीन वाले में हम साइज जो है वो बढ़ा के देख लेते हैं। यहाँ हम मार्कर साइज 10 दे देते हैं। मार्कर साइज इज इक्वल टू 10। अब हम इसे रन करते हैं तो ये देखिए ग्रीन वाले सिंबल्स जो हैं हमारे वो और भी ज्यादा बड़े हो गए। यहाँ अगर हम ये मार्कर साइज मान लीजिए 6 कर देते हैं, इस केस में आप देखिएगा हमारे सर्कल्स जो हैं वो थोड़े बड़े हो जाएंगे। हम इसे रन करते हैं और ये देखिए इसके बाद ये जो हमने रन किया तो ये मार्कर्स का साइज जो है वो थोड़ा सा बढ़ गया। इस तरीके से हम कोई भी मार्कर साइज प्रोवाइड कर सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हमारे मार्कर्स जो हैं वो डिस्प्ले हो जाएंगे। अब हम ट्राई करते हैं मार्कर एज कलर। ये जो हमारा लास्ट वाला था मार्कर एज कलर, इसमें हम कोई भी स्पेसिफाइड कलर दे सकते हैं जो हमने कलर टेबल में पढ़ा और उसी कलर के जो है हमारे डाटा पॉइंट्स बन जाएंगे। तो यहाँ हम दे देते हैं मार्कर एज कलर। जो ये रेड वाली लाइन है हमारी, इसमें हम मार्कर एज कलर दे देते हैं ग्रीन। ठीक है, और ये जो हमारी ग्रीन वाली लाइन है इसमें हम मार्कर एज कलर दे देते हैं रेड। आप चाहे तो कोई भी कलर दे सकते हैं, ये हम टोटली आप पे डिपेंड करता है। मैंने क्योंकि हमने रेड और ग्रीन ही लिए थे तो इसलिए हमने मार्कर एज कलर भी यही ले लिए ताकि हमें इजीली दिखाई दे। तो अब हम इसे रन करके देखते हैं, प्रोग्राम को सेव कर लेंगे और रन करेंगे तो ये देखिए आप यहाँ से देख सकते हैं जो ये ग्रीन वाली लाइन है उसपे जो मार्कर्स हैं वो किस कलर के आ रहे हैं, हमारे रेड कलर के आ रहे हैं। और जो ये रेड वाली लाइन है उसपे आप देखिए मार्कर्स जो है वो ग्रीन कलर के आ रहे हैं। अब यहाँ पे आप एक चीज ध्यान दीजिए, जो सर्कल है हमारे वो सर्कल फिल्ड है तो यहाँ पे कलर टाइप क्या है, मार्कर एज कलर। तो सिर्फ एज जो है उसका कलर चेंज होता है। तो यहाँ पे आप रेड वाली लाइन पे नोटिस कीजिए सिर्फ सर्कल की जो आउटलाइन है वो ग्रीन कलर की है लेकिन अंदर से वो रेड कलर से ही फिल हुआ है। तो इस तरीके से मार्कर एज कलर से हम सिर्फ हमारे मार्कर्स का एज चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ अगर हम ये सर्कल की जगह मान लीजिए हम एस्ट्रिक ले लेते हैं। ठीक है, अब जब हम रन करेंगे तो आप देखिए आप इसे और इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अब जो है हमारे मार्कर पॉइंट्स सारे ग्रीन कलर के हैं। यहाँ साइज में आपको इसे भी 10 कर देती हूँ। देखिए अब इसे रन करते हैं तो ये देखिए ये स्टार्स की बाउंड्री जो है वो हमारी ग्रीन कलर की है और अंदर से वो किससे फिल्ड है, रेड कलर से। बट अगर हम कोई ऐसा मार्कर पॉइंट दें जिसमें सिर्फ बाउंड्री हो, मान लीजिए यहाँ भी मैं ये एक्स या प्लस दे देती हूँ। इस बार प्लस में हमारा ये अंदर से फील्ड नहीं होता, सिर्फ आउटलाइन है। तो ये आउटलाइन किस कलर की होगी, ये देखिए ये आउटलाइन हमारी ग्रीन कलर की डिस्प्ले हो रही है। तो इस तरीके से आप लाइन स्टाइल, मार्कर, मार्कर साइज, मार्कर एज कलर कुछ भी जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। प्लॉट फंक्शन की हेल्प से हम ये सारे फीचर्स अपने ग्राफ में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। देखिए नाउ कंसीडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल। अब ये जो हमने पढ़ा अभी तक ये उन्होंने बुक में करके दिखाया, ऑलरेडी हम खुद से प्रैक्टिकली करके देख ही चुके हैं। यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल क्या लिया है, एक ये सीक्वेंस ली है P और दूसरी ये सीक्वेंस ली है Q जो हमने पहले ड्रॉ किए थे कि फर्स्ट सीक्वेंस में रैंडम नंबर लिए हैं और दूसरी में उसकी डबल वैल्यू स्टोर की है। तो उसके लिए ये लाइन चार्ट जो है वो शो हो रहा है। अब इस लाइन चार्ट में देखिए हमने कौन कौन से आर्ग्यूमेंट दिए। पहले तो हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए डाटा प्लॉट किया जो हमने पी क्यू दे दिया। यहाँ पे हमने कलर लिया ब्लैक, यानी कि जो हमारी ये लाइन है ये किस कलर की होगी, ब्लैक कलर की। मार्कर हमने क्या लिया, स्मॉल डी। स्मॉल डी किसके लिए होता है, थिन डायमंड्स के लिए, और कैपिटल डी नॉर्मल डायमंड्स के लिए होता है। मार्कर साइज हमने 5 लिया और मार्कर एज कलर हमने रेड लिया। तो उसी के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं यहाँ लाइन जो है वो ब्लैक कलर की है, मार्कर डी था तो इसलिए डायमंड की शेप के हमारे मार्कर्स ड्रॉ हुए हैं। मार्कर साइज 5 था तो इसलिए मार्कर्स का साइज आप देख सकते हैं 5 के अकॉर्डिंग ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है। और मार्कर्स के एजेस जो है वो किस कलर के हैं, रेड कलर के हैं। तो इस तरीके से हम प्लॉट फंक्शन की हेल्प से ये सारे फीचर्स अपने ग्राफ में अप्लाई कर सकते हैं। नाउ यू कैन कंबाइन द मार्कर टाइप With the color code, for example R+। अभी तक मैंने आपको जो बताया, अभी तक हमने कलर कोड अलग लिखा था और मार्कर टाइप जो है वो अलग से स्पेसिफाई किया था। बट अगर आप चाहें तो आप कलर कोड और मार्कर टाइप को एक साथ लिख सकते हैं इस तरीके से। जहां हमने कलर कोड स्पेसिफाई किया है वहीं पे उसके साथ हम अपने मार्कर का टाइप का सिंबल भी जो है वो टाइप कर सकते हैं। Now you can combine marker type with color code, for example R+. When given for a line color, marks the color as red. इस केस में हमारा कलर क्या बन जाएगा, रेड, क्योंकि हमने यहाँ R यूज किया है। और मार्कर टाइप हमारा क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि हमने क्या यूज किया है, प्लस सिंबल यूज किया है। तो इस तरीके से हम दोनों को जो है वो कंबाइन कर सकते हैं। कंसिडर टू फॉलोइंग एग्जाम्पल कंबाइनिंग दिस। तो अभी आपको 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं जिसमें ये सब कंबाइन किया है। ये देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल में भी यहाँ पे R प्लस लिखा था तो जो मार्कर्स थे वो यहाँ पे प्लस सिंबल के आए और लाइन का कलर क्या है, रेड है। इस केस में भी R प्लस था तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि ये वाली जो लाइन है हमारी वो किस कलर की है, रेड कलर की है। और जो सिंबल्स यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहे हैं वो किस कलर के हैं, वो सॉरी किस शेप के हैं, प्लस शेप के। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका कलर क्या है, ब्लैक। ब्लैक क्यों है, क्योंकि इस केस में हमने मार्कर एज कलर क्या दिया है, बी दिया है, तो इसलिए ये मार्कर्स ब्लैक कलर के हैं। बट पहले वाले केस में वो लाइन वाले कलर के ही थे क्योंकि हमने अलग से मार्कर एज कलर प्रोवाइड नहीं किया था। तो हम इसे अपने प्रोग्राम में भी करके देख लेते हैं। ये मार्कर हम यहाँ से हटा देते हैं और ये प्लस हम यहीं आर के साथ ही लगा देते हैं, ठीक है। सिमिलरली इस केस में ये जो हमने एक्स लिखा हुआ है ये हम यहाँ से मार्कर वाला आर्ग्यूमेंट हटा देते हैं और ये एस्ट्रिक जो ये एक्स जो है वो हम यहाँ पे शो कर देते हैं, ठीक है। अब जब हम इसे रन करेंगे हमारे प्रोग्राम में कोई चेंज नहीं आएगा। ये देखिए हमारा प्रोग्राम जो है बिल्कुल सेम वैसा ही रहा। अब मैं इन सिंबल्स को चेंज कर देती हूँ। मान लीजिए यहाँ मैं दे देती हूँ कैपिटल डी यानी कि थिक डायमंड्स और इस वाले केस में मैं दे देती हूँ स्मॉल डी यानी कि थिन डायमंड्स। अब जब हम इसे रन करेंगे यहाँ पे ये कुछ एरर दे रहा है, लाइन फॉर्मेटिंग आरडी प्लस, ओके। ये यहाँ पे हमने प्लस नहीं हटाया। ये देखिए हम क्योंकि मार्कर टाइप एक ही तरीके का दे सकते हैं। अब हम इसे रन करके देखेंगे तो ये देखिए हमारा प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुली रन हो गया, क्योंकि यहाँ पे आप स्ट्रिंग में सिर्फ 2 ही सिंबल्स दे सकते हैं, एक कलर के लिए और दूसरा मार्कर टाइप के लिए। तो पहले केस में हमने यहाँ डी और प्लस दोनों दे दिए थे तो इसलिए उसने हमें एरर दिया था क्योंकि हम 2-2 मार्कर टाइप स्पेसिफाई नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने मार्कर टाइप अब डी दिया तो ये देखिए जो हमारी रेड लाइन थी उसमें हमारे थिक डायमंड्स जो हैं वो शो हो रहे हैं और जो हमारी ग्रीन लाइन थी उसमें हमारे थिन डायमंड्स जो हैं वो शो हो रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से हम कोई भी मार्कर टाइप या कोई भी कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से ये मार्कर एज कलर हटा देंगे तो उस केस में हमारे जो मार्कर्स का कलर है वो हमारे लाइन के कलर जैसा ही होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं मान लीजिए इसे हटा देती हूँ, यहाँ से भी मैं ये मार्कर एज कलर हटा देती हूँ। इस केस में हमारे मार्कर्स का कलर जो है वो बिल्कुल सेम होगा हमारी लाइन के कलर जैसा। इसे रन करते हैं तो ये देखिए अब मार्कर्स की बाउंड्री जो है वो अलग कलर की नहीं है। दोनों केस में मार्कर्स जो हैं वो बिल्कुल लाइन के कलर जैसे ही हैं। अब इसके बाद आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट फंक्शन पे। नेक्स्ट जो है वो हमारा कि अभी तक हमने प्लॉट फंक्शन देखा। प्लॉट फंक्शन में हमारी लाइन चार्ट ड्रॉ हो रहा था, उस लाइन चार्ट में हमने मार्कर्स को भी ड्रॉ किया। अब इसके बाद नेक्स्ट जो आएगा हमारा, वो हमारा आएगा स्कैटर फंक्शन। स्कैटर चार्ट को ड्रॉ करने के लिए स्कैटर फंक्शन अलग से हमारे पास अवेलेबल होता है, बट प्लॉट फंक्शन भी हमें ऐसी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है जिससे हम स्कैटर टाइप चार्ट को ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हम प्लॉट फंक्शन के अंदर मार्कर टाइप स्पेसिफाई कर रहे हैं और लाइन स्टाइल स्पेसिफाई ना करें, उस केस में जो है हमारा ग्राफ जो है वो कैसा बनेगा, स्कैटर्ड चार्ट बनेगा। ठीक है, अभी तक आप देख सकते हैं बुक में भी यहाँ पे जो एग्जाम्पल देखे, मार्कर टाइप अगर हमने दिया था तो उस केस में हमने लाइन स्टाइल लिखा हुआ था, और हमने खुद का जो एग्जाम्पल किया उसमें भी हमने यहाँ पे लाइन स्टाइल प्रोवाइड किया हुआ था। बट जब भी हमने अगर कहीं भी मार्कर टाइप, चाहे हमने अलग से मार्कर लिख के मार्कर टाइप दिया है या फिर कलर कोड के साथ मार्कर दिया है, उस केस में हमारे लिए लाइन स्टाइल स्पेसिफाई करना जरूरी होता है। अगर हम लाइन स्टाइल स्पेसिफाई नहीं करते तो वो हमारा स्कैटर्ड चार्ट ही बन जाता है। आप चाहें तो आप ये देख सकते हैं। आप पहले हम एक बार ये रीड कर लेते हैं। When you do not specify marker edge color separately in plot, the marker take the same color as that of line. तो ये तो अभी हमने प्रीवियस एग्जाम्पल का पढ़ा। Also if you do not specify the line style separately. अगर हमने line style separately नहीं किया, along with the line color and mark style combination string, Python will only plot the markers and not the line. तो उस केस में Python जो है वो क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ इन मार्कर्स को ड्रॉ करेगा, डाटा पॉइंट्स को ड्रॉ करेगा और लाइन को ड्रॉ नहीं करेगा। To get the line, specify the line style argument also as shown above. अगर हमने लाइन चार्ट ड्रॉ करना है तो उस केस में हमें लाइन स्टाइल आर्ग्यूमेंट जो है वो प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। मान लीजिए अगर हम सिर्फ इस तरीके से प्रोवाइड कर देते हैं plt.plot pq, ro, इस केस में हमने कलर कोड के साथ साथ मार्कर टाइप भी दे दिया है बट लाइन स्टाइल नहीं दिया है, तो हमारा चार्ट जो है वो कैसा बनेगा, इस तरीके का स्कैटर्ड चार्ट बनेगा। इसे हम अपने प्रोग्राम में भी करके देख लेते हैं। हम यहाँ से लाइन स्टाइल्स जो है वो हटा देते हैं। ठीक है, इस सेकेंड लाइन से भी फिलहाल हम सिर्फ एक लाइन से हटा देते हैं पहले। अब हम इसे रन करके देखते हैं तो ये देखिए हमारी सिर्फ ग्रीन लाइन ड्रॉ हो रही है, रेड वाली लाइन जो है वो ड्रॉ नहीं हो रही क्योंकि मार्कर टाइप के साथ हमने लाइन स्टाइल आर्ग्यूमेंट नहीं दिया है। अगर हम यहाँ से भी लाइन स्टाइल आर्ग्यूमेंट को हटा दें, अब इसे रन करेंगे तो दोनों ही लाइंस जो हैं वो डिसअपियर हो जाएंगी, सिर्फ और सिर्फ मार्कर्स ड्रॉ होंगे। और इसे हम क्या बोलते हैं, स्कैटर चार्ट। यानी कि जब हमारे ग्राफ में सिर्फ और सिर्फ डाटा पॉइंट्स डिस्प्ले हो रहे होते हैं और हमारी ज्वाइनिंग लाइन जो है वो डिस्प्ले नहीं हो रही होती, तो उस तरह के चार्ट को हम क्या कहते हैं, स्कैटर्ड चार्ट। तो विद द हेल्प ऑफ प्लॉट फंक्शन भी हम स्कैटर्ड चार्ट को ज्वाइन कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। अब एक चीज हम यहाँ पे और देख लेते हैं कि अगर हम इस टाइप को ऐसे ना लिख के, मान लीजिए हम इसे यहाँ पे अलग से प्रोवाइड कर रहे हैं, मार्कर इज इक्वल टू बी, ठीक है। अब हम इसे रन करते हैं कि क्या इस केस में हमारी लाइन ड्रॉ हो रही है, क्योंकि जब हमने कलर कोड और मार्कर टाइप को एक साथ किया तब तो हमारी लाइन ड्रॉ नहीं हो रही। अब हम इसे और वेरीफाई कर लेते हैं कि जब हम मार्कर अलग से टाइप स्पेसिफाई कर रहे हैं क्या उस केस में लाइन ड्रॉ होती है। इसे हमने रन किया तो ये देखिए इस केस में हमारी लाइन जो है वो ड्रॉ हो रही है। यानी कि जब हम कलर कोड और मार्कर टाइप को एक साथ इस तरीके से स्ट्रिंग में लिखते हैं, सिर्फ और सिर्फ उस केस में जो है हमारा स्कैटर्ड चार्ट ड्रॉ होता है विदाउट लाइन स्टाइल। बट अगर हमने मार्कर टाइप अलग से लिखा है तो उस केस में हमारा स्कैटर्ड चार्ट ड्रॉ नहीं होता। तो जब हम कलर कोड और मार्कर टाइप को एक साथ कंबाइन कर रहे हैं, उस केस में लाइन स्टाइल अगर हमने दिया है तो लाइन चार्ट बनेगा और लाइन स्टाइल अगर नहीं दिया है तो स्कैटर्ड चार्ट बनेगा। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट है हमारा क्रिएटिंग स्कैटर्ड चार्ट। कि अभी तक हमने सारी फंक्शनैलिटी जो पढ़ी वो किसके बारे में थी, लाइन चार्ट के बारे में थी। अब ये जो नेक्स्ट है हमारा वो किससे रिलेटेड है, हमारा स्कैटर्ड चार्ट से रिलेटेड है कि स्कैटर्ड चार्ट जो है वो किस किस तरीके से हमारे ड्रॉ हो सकते हैं। ठीक है, The scatter charts can be created through two functions of the pyplot library. तो pyplot library जो है उसके दो functions की help से हम scatter chart draw कर सकते हैं। कौन कौन से दो function? पहला है हमारा plot function जो कि हमने अभी अभी देखा ही, और दूसरा है हमारा scatter function। ये दोनों फंक्शंस जो हैं वो स्कैटर चार्ट को ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम वन बाय वन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम प्लॉट फंक्शन के बारे में ही पढ़ेंगे क्योंकि वो हमने अभी अभी जो है डिटेल में डिस्कस किया है। तो पहले हम एक बार देख लेते हैं कि प्लॉट फंक्शन की हेल्प से हम स्कैटर चार्ट कैसे ड्रॉ कर सकते हैं और उसके बाद हम पढ़ेंगे स्कैटर फंक्शन के बारे में। ठीक है, तो नाउ स्टार्ट विद द प्लॉट फंक्शन। नाउ इस टाइम हम प्लॉट फंक्शन जो है वो स्कैटर चार्ट के लिए पढ़ रहे हैं। As it must be evident from the previous section that you have, if you specify the line color and marker style string without the line style argument, then the plot created resembles a scatter chart as only the data points are plotted now. तो हमने जो previous example किया उससे ये बहुत ही clear हो गया था कि जब हम line color और marker style string को एक साथ लिखते हैं विदाउट द लाइन स्टाइल आर्ग्यूमेंट और लाइन स्टाइल आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो उस केस में जो ग्राफ प्लॉट होता है वो हमारा स्कैटर्ड चार्ट से रिजेंबल करता है क्योंकि उस केस में सिर्फ और सिर्फ हमारे डाटा पॉइंट्स जो हैं वो ही ग्राफ पे प्लॉट होते हैं और हमारी लाइन जो है वो प्लॉट नहीं होती है। इनफैक्ट इन प्लॉट फंक्शन व्हेनेवर यू स्पेसिफाई द मार्कर टाइप स्टाइल वेदर विद द कलर और विदाउट कलर and do not give the line style argument, plot will create scatter chart. यानी कि जब भी कभी हम मार्कर टाइप को स्पेसिफाई कर देते हैं, चाहे हम उसे कलर कोड के साथ कर रहे हैं या फिर इस तरीके से विदाउट कलर कर रहे हैं, तब भी हमारी जो लाइन और हमने लाइन स्टाइल आर्ग्यूमेंट नहीं दिया है तो उस केस में भी हमारा जो चार्ट बनता है वो कैसा बनता है, स्कैटर्ड चार्ट ही बनता है, जो कि आप यहाँ देख सकते हो। हमने ये कमांड दी pl.plot, यहाँ पे हमने x एक्सेस के लिए एक एरे a1 दिया और y एक्सेस के लिए a4 दिया। मार्कर टाइप हमने क्या लिखा, ओ लिखा। अब ये देखिए यहाँ हमने मार्कर कीवर्ड यूज नहीं किया है। हमने यहाँ जो ये काम किया था इसमें हमने कलर कोड के साथ ना लिख के हमने अलग से मार्कर टाइप स्पेसिफाई किया था, उस केस में हमारी लाइन ड्रॉ हो रही थी। बट जब भी हम ये मार्कर कीवर्ड यूज ना करके अगर सिंपली कोट्स में लिखते हैं तो केस में अगर हम लाइन स्टाइल ना दे तो हमारा जो है चार्ट वो कैसा बनता है, स्कैटर। तो यहाँ हमने देखिए हमने जहाँ कलर कोड देते हैं वहां कोट्स के अंदर क्या दिया, मार्कर टाइप दिया और मार्कर साइज दे दिया। तो ये देखिए हमारा जो है वो लाइन ड्रॉ नहीं हुई और हमारा चार्ट जो है वो बिल्कुल कैसा बना, स्कैटर्ड चार्ट जैसा। यहाँ भी आप देख सकते हैं हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए दो एरे दिए और उसके बाद मार्कर टाइप जो है वो स्पेसिफाई कर दिया। तो इस केस में भी हमारे सिर्फ और सिर्फ मार्कर्स, हमारे सिर्फ डाटा पॉइंट्स ड्रॉ हुए हैं, लाइन ड्रॉ नहीं हुई। तो ये दोनों ही चार्ट हमारे किसका एग्जाम्पल है, स्कैटर्ड चार्ट का। ये वाला भी और ये वाला चार्ट भी, ये दोनों ही चार्ट जो है वो किस तरीके के हैं, स्कैटर्ड चार्ट के जैसे हैं। सो विद मार्कर टाइप स्पेसिफाइड plot create a scatter chart in the absence of line style argument. तो जब भी line style argument नहीं होगा और marker type defined होगा उस केस में हमारा chart जो है वो कैसा बनेगा, scatter chart बनेगा with the help of plot function. हम एक बार ये check भी कर लेते हैं यहाँ से कि अगर हम ये marker type ना, हम ये keyword ना लिखें marker और मान लीजिए हम color code भी नहीं दे रहे, उस केस में हम जो है वो कैसे ड्रॉ करेंगे। अब ये देखिए यहाँ पे इस वाली लाइन में हमने कोई कलर कोड स्पेसिफाई नहीं किया है, हमने सिर्फ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दिया, उसके बाद मार्कर टाइप दिया और फिर मार्कर साइज दिया। फिलहाल के लिए इस सेकंड लाइन को मैं हटा देती हूँ क्योंकि हमें सिर्फ एक लाइन से भी चीजें समझ आ जाएंगी, तो हमें बिना वजह दोनों की जरूरत नहीं है। तो हम इसे रन करके देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमारे सिर्फ और सिर्फ मार्कर्स ड्रॉ हुए हैं, हमने कोई कलर कोड नहीं दिया था तो डिफॉल्ट कलर उन्होंने ब्लू ले लिया। ब्लू कलर के ड्रॉ हुए मार्कर टाइप हमने क्या लिया था, कैपिटल डी, तो इसलिए ये डायमंड की शेप में ड्रॉ हुए। यहाँ अगर हम मार्कर टाइप कुछ और ले लेते हैं, मान लीजिए मैं यहाँ स्टार ले लेती हूँ। अब जब मैं इसे रन करूंगी तो ये मार्कर्स जो हैं वो किस शेप के हो जाएंगे, स्टार की शेप के हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ कलर स्पेसिफाई कर देती हूँ, मान लीजिए मैंने ग्रीन कलर स्पेसिफाई कर दिया, तो अब जब मैं इसे रन करूंगी तो ये स्टार्स जो हैं वो किस कलर के हो जाएंगे, ग्रीन कलर के हो जाएंगे। तो जब भी लाइन स्टाइल स्पेसिफाई नहीं कर रखा होगा और इस तरीके से कोट्स के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ मार्कर टाइप दे रहे हैं, चाहे कलर कोड के साथ दे रहे हैं चाहे विदाउट कलर कोड दे रहे हैं, उस केस में स्कैटर्ड चार्ट ही ड्रॉ होगा। हाँ, अगर हम इस एस्ट्रिक को यहाँ पे प्रोवाइड ना करके अलग से मार्कर लिख के प्रोवाइड करते हैं, इस तरीके से मार्कर इज इक्वल टू एस्ट्रिक, इस केस में जो है हमारी लाइन ड्रॉ होती है। ये देखिए, इसे हमने रन किया और यहाँ पे हमारी लाइन ड्रॉ हुई, यानी कि जब हम मार्कर कीवर्ड के साथ स्पेसिफाई कर रहे हैं तो हमारी लाइन ड्रॉ हो रही है, बट जब हम विदाउट मार्कर कीवर्ड के हम मार्कर टाइप स्पेसिफाई कर रहे हैं उस केस में हमारा चार्ट जो है वो स्कैटर्ड चार्ट बनता है। ओके, अब इसके साथ साथ हमारा प्लॉट फंक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया। प्लॉट फंक्शन की हेल्प से लाइन चार्ट कैसे बना, स्कैटर्ड चार्ट कैसे बना, उसमें हम लाइन का स्टाइल कैसे चेंज कर सकते हैं, कलर कैसे चेंज कर सकते हैं, मार्कर टाइप कैसे चेंज करेंगे, या फिर मार्कर्स का कलर, उनकी शेप, उनका साइज कैसे चेंज करेंगे, वो सारी चीजें हमने पढ़ ली। तो इसके बाद ये हमें समराइज फॉर्म में दिया हुआ है। प्लॉट फंक्शन में हमने कौन कौन से आर्ग्यूमेंट पढ़े? सबसे पहले आर्ग्यूमेंट होते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के डाटा पॉइंट्स। उसके बाद हम देते हैं कलर कोड, और कलर कोड के साथ साथ हम क्या स्पेसिफाई कर देते हैं? मार्कर का टाइप। उसके बाद अगर हम लाइन विड्थ चेंज करना चाहें तो जैसे हम मार्कर का साइज देते हैं उसी तरीके से हम लाइन विड्थ भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद लाइन स्टाइल की हमें सॉलिड चाहिए, डॉटेड चाहिए, डैश्ड चाहिए, किस तरीके की चाहिए। फिर अगर हमें मार्कर, अगर हमने यहाँ मार्कर नहीं दिया है तो हम मार्कर टाइप अलग से स्पेसिफाई कर सकते हैं मार्कर कीवर्ड की हेल्प से। मार्कर साइज आर्ग्यूमेंट की हेल्प से हम मार्कर्स का साइज चेंज कर सकते हैं, और मार्कर एज कलर आर्ग्यूमेंट की हेल्प से हम मार्कर्स का कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। यही सारे आर्ग्यूमेंट्स यहाँ डिटेल में ये आपको लिख कर दिए हुए हैं। डाटा वन एंड डाटा टू आर द सीक्वेंसेज ऑफ वैल्यूज to be plotted on x axis and y axis respectively। जो पहले वाली वैल्यू होती है वो x axis पे प्लॉट होती है और जो दूसरे वाला वैल्यूज होती है वो y axis पे प्लॉट होती है। रेस्ट ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स अफेक्ट द लुक एंड फॉर्मेट ऑफ द लाइन चार्ट या स्कैटर चार्ट। सिर्फ हमारे मेन जो आर्ग्यूमेंट होते हैं वो यही दो होते हैं, इसके अलावा बाकी जितने भी आर्ग्यूमेंट हैं वो सिर्फ और सिर्फ ग्राफ की या चार्ट की फॉर्मेटिंग के लिए यूज होते हैं। जैसे कि पहला हमने देखा था लाइन का कलर कोड विद मार्कर टाइप, तो ये क्या करता है? कलर स्पेसिफाई करता है एंड मार्कर सिंबल्स फॉर द लाइन चार्ट। तो लाइन चार्ट के लिए कलर्स देगा और मार्कर्स के सिंबल्स जो है वो स्पेसिफाई करेगा। लाइन विड्थ जो है उस केस में हम लाइन की विड्थ स्पेसिफाई करते हैं, ये बिल्कुल मार्कर साइज की तरह होती है, यहाँ हम पॉइंट्स में या कोई भी फ्लोटिंग वैल्यू जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। लाइन स्टाइल के लिए हम कोई भी लाइन स्टाइल दे सकते हैं, सॉलिड, डैश, डैश डॉट, डॉटेड, और इसके अलावा ये चार तो हमने पढ़े ही, इसके अलावा जितने भी हमने मार्कर टाइप पढ़े हम उनकी स्ट्रिंग बनाकर भी यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं कि सिर्फ मार्कर टाइप जो है उन्हीं की स्ट्रिंग यहाँ पे बनकर हमारी लाइन की जगह डिस्प्ले हो जाए। नेक्स्ट जो है हमारा मार्कर आर्ग्यूमेंट, ये हमारे मार्कर का टाइप स्पेसिफाई करता है। जो भी सिंबल हम यहाँ लिखेंगे वो सिंबल हमारे डाटा पॉइंट्स को डिनोट करेगा। कोई भी वैलिड मार्कर स्टाइल हम यहाँ दे सकते हैं, जैसे कि हाइफन, सर्कल, क्रॉस, प्लस, डायमंड शेप। जितने भी हमने टेबल में बहुत सारे मार्कर टाइप्स पढ़े उनमें से कोई भी मार्कर टाइप हम यहाँ स्पेसिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा मार्कर साइज, तो ये भी हमारा, हम कोई भी फ्लोटिंग वैल्यू दे सकते हैं जैसे लाइन विड्थ और मार्कर साइज की, और उसी साइज का जो है हमारा मार्कर, हमारा डाटा पॉइंट जो है वो ड्रॉ हो जाएगा। नेक्स्ट है मार्कर एज कलर। मार्कर एज कलर जो है वो हमारे डाटा पॉइंट्स के कलर को चेंज करने के लिए यूज होता है कि अगर हमारी लाइन किसी कलर की है, हम चाहते हैं मार्कर्स जो है वो उस कलर के ना आके किसी और कलर के रिप्रेजेंट हों, तो उस केस में हम मार्कर एज कलर जो है वो स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो जो हम मार्कर एज कलर में कलर कोड स्पेसिफाई करेंगे उसी कलर के हमारे मार्कर्स जो है वो ड्रॉ होंगे। इसके साथ साथ हमारा प्लॉट फंक्शन कंप्लीट हो गया। इन आर्ग्यूमेंट्स के अलावा भी प्लॉट फंक्शन में और बहुत सारे आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, लेकिन उन्हें यहाँ हम कवर नहीं कर सकते क्योंकि वो इस बुक के बियॉन्ड भी हैं और साथ साथ वो हमारे सिलेबस में भी कवर नहीं होते हैं, तो इसलिए उनको करने की भी आपको जरूरत नहीं है। बट फिर भी अगर कोई स्टूडेंट इंटरेस्टेड हो तो आपको डॉक्यूमेंटेशन से रीड कर सकते हैं। जो पाइथन की ऑफिशियल साइट पे डॉक्यूमेंटेशन है वहां से आप पूरी कंप्लीट डिटेल जो है वो स्टडी कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज अवर एग्जाम्पल। अब क्योंकि हमने एक फंक्शन जो है वो कंप्लीट कर लिया है तो ये एग्जाम्पल जो है वो हमारा टोटली प्लॉट फंक्शन पे बेस्ड है। इसमें हमें ये चार कंडीशन दी हुई हैं और हर कंडीशन के लिए हमें जो है वो क्या करना है? ग्राफ ड्रॉ करना है। तो पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है। क्रिएट एन एरे इन द रेंज 1 to 20 विद वैल्यूज 1.1 2, 5 apart. तो हमें एक एरे क्रिएट करना है. एरे क्रिएट करना है तो हमें numpy लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ेगा. तो हम 2 लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर लेंगे. इंपोर्ट matplotlib.pyplot as pl और इंपोर्ट numpy as np, ताकि हम जो है वो ग्राफ ड्रॉ कर पाए. एक काम करते हैं, हम यहाँ से क्वेश्चन के साथ साथ अपना प्रोग्राम करते चलते हैं. हम एक नई फाइल ले लेते हैं और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपना प्रोग्राम जो है करते चलेंगे. हमने यहाँ से देखा हमें एक एरे क्रिएट करना है और हमें ये तो पता ही है कि हम ग्राफ से रिलेटेड कर रहे हैं, तो इसलिए हम दोनों लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर लेते हैं. इंपोर्ट matplotlib.pyplot as pl, ठीक है, एंड इंपोर्ट numpy as np. हमने दोनों लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर ली. अब वो क्या कहता है, क्रिएट एन एरे रेंज 1 to 20 एंड वैल्यूज 1.25 अपार्ट. तो हमें पता है हम अरेंज मेथड की हेल्प से एरे क्रिएट कर सकते हैं इस टाइप का. एक एरे हमने AR क्रिएट किया, np डॉट अरेंज. अब हमें रेंज क्या देनी है, 1 से 20. तो अरेंज वाले मेथड में ही हम रेंज दे सकते हैं 1 to 20. और स्टेप की जो वैल्यू होती है वो कौन सी वैल्यू होती है, जितने जितने डिस्टेंस पे हमें एलिमेंट्स को जनरेट करना होता है उतने से. इसे हम सेव कर लेते हैं. जब भी हम कोई भी कोड लिखते हैं हम साथ साथ उसे सेव करते चलते हैं ताकि हमें बाद में कोई इश्यू ना आए. तो हमारा एरे क्रिएट हो गया. अब आगे देखते हैं वो क्या कह रहा है. Another array contain the log values of the elements in the first array. एक और array create करना है और वो array जो है वो first array की log values को store करेगा. तो हमें पता है numpy library हमें function provide करती है, log function, जिसकी help से हम logarithmic values को calculate कर सकते हैं. तो np.log और यहाँ पे हम ब्रैकेट में क्या प्रोवाइड कर देंगे, फर्स्ट एरे, क्योंकि हमें पहले वाले एरे की log values जो है वो कैलकुलेट करनी थी. इतना प्रोग्राम हमने लिख लिया. जब भी हम क्वेश्चन करें तो हमें पहले अपने क्वेश्चन को समझना होता है और फिर स्टेप बाय स्टेप एक्शन परफॉर्म करना होता है, ठीक है. तो अभी तक का हमने पूरा काम कर लिया. 1 to 20 की रेंज में 1.25 अपार्ट का एरे क्रिएट कर लिया और उसके बाद दूसरा एरे क्रिएट कर लिया जिसमें क्या स्टोर है, लोग वैल्यूज हमारी स्टोर है. नाउ फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, क्रिएट अ प्लॉट ऑफ फर्स्ट वर्सेज सेकेंड एरे. हमें ग्राफ प्लॉट करना है फर्स्ट एरे वर्सेज सेकेंड एरे. स्पेसिफाई एक्स एक्सिस कंटेनिंग फर्स्ट एरे वैल्यूज. देखिए यहाँ पे उन्होंने बता भी दिया, एक्स एक्सिस पे हमें क्या रखना है, जो हमारा फर्स्ट वाला एरे था वो, और उसका टाइटल हमें क्या देना है, रैंडम वैल्यूज, ठीक है. और वाई एक्सिस का टाइटल हमें क्या देना है, लॉगरिथमिक वैल्यू. तो हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के टाइटल देना हमने सीखा था. तो यहाँ से हम पहले क्या करेंगे, टाइटल प्रोवाइड कर देते हैं. pl डॉट एक्स लेबल. एक्स लेबल उन्होंने हमें क्या बोला, हमें क्या टाइटल देना है यहाँ से, रैंडम वैल्यूज, ठीक है. और वाई एक्सिस के लिए लॉगरिथमिक वैल्यूज. तो यही हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर देते हैं. ये हमने दे दिया रैंडम वैल्यूज और इसके बाद pl डॉट वाई लेबल, वाई एक्सिस के लिए हमें क्या प्रोवाइड करनी है, लॉगरिथमिक वैल्यूज, ठीक है. ये हमने एक्स लेबल और वाई लेबल दे दिए जो कि हमारे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए टाइटल हो गया. अब हमें ग्राफ प्लॉट करना है. तो pl डॉट प्लॉट, ब्रैकेट में हमें एक्स एक्सिस पे कौन सा एरे रखना था, फर्स्ट एरे यानी कि AR, और वाई एक्सिस पे हमें सेकंड एरे जिसमें लोग वैल्यू स्टोर है. तो यहाँ पे हमने कौन सा एरे रख दिया, सेकंड एरे. अब हम इसे सेव करके अब इसे रन कर देते हैं. तो ये देखिए ये हमारा ग्राफ जो है वो प्लॉट हो गया यहाँ से, और ये इस तरीके का ग्राफ जो है वो हमारा प्लॉट हुआ, ठीक है. अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है. इवन मैं आपको ये साथ साथ बुक से दिखा भी देती हूँ. ये देखिए सबसे पहले दोनों लाइब्रेरीज को इंपोर्ट किया गया है, यही काम हमने किया था, ठीक है. उसके बाद फर्स्ट एरे क्रिएट किया, इन्होंने एरे का नाम ए से लिया, np.arrange 1, 20, 1.25. जिन स्टूडेंट्स को एरे क्रिएशन नहीं आती है, मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, जो हमारी numpy लाइब्रेरी वाली वीडियोस हैं वहां से आप एरे की क्रिएशन डिटेल में सीख सकते हैं कि किस किस तरीके से एरे क्रिएट किए जा सकते हैं. यहाँ उन्होंने हमें जो कंडीशन दी थी उसमें हमारा यही मेथड जो है वो सबसे सुटेबल है. क्योंकि उन्होंने हमें पर्टिकुलर रेंज दी है 1 से 20 और ये भी बोला है कि 1 से 20 के बीच में ही एलिमेंट्स जनरेट करने हैं और वो सारे एलिमेंट 1.25 के डिस्टेंस पे होने चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए इसलिए हमने अरेंज मेथड यूज किया। नाउ सेकेंड एरे में हमें लॉग वैल्यू स्टोर करनी थी तो हमने लंपाई लाइब्रेरी का लॉग फंक्शन यूज किया। उसमें हमने फर्स्ट एरे प्रोवाइड कर दिया तो हमें जो एरे रिटर्न होगा वो फर्स्ट एरे की लॉग वैल्यूज स्टोर करके ही रिटर्न होगा। इसके बाद हमें ग्राफ प्लॉट करना था। ये देखिए ये ए पार्ट है आपका, ग्राफ प्लॉट किया a, b, x एक्सिस पे हमने उन फर्स्ट एरे को रखा, y एक्सिस पे सेकंड एरे को रखा। उसके बाद x एक्सिस का टाइटल दिया रैंडम वैल्यूज विद द हेल्प ऑफ x लेबल फंक्शन और y एक्सिस का टाइटल दिया लॉगरिथमिक वैल्यूज विद द हेल्प ऑफ y लेबल फंक्शन। ये स्टेटमेंट्स आप पहले लिखो या बाद में लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसकी हेल्प से जो हमारा ग्राफ ड्रॉ हुआ वो आप देख सकते हैं। यही सेम ग्राफ जो है हमारा भी ड्रॉ हुआ है यहाँ पे जब हमने इसे करके देखा था। ये देखिए हमारे ग्राफ की शेप बिल्कुल सेम वैसी है जैसी कि यहाँ बुक में शो की गई, ठीक है। अब पहले हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, बुक से बाद में देखेंगे, पहले खुद से करेंगे। क्रिएट अ थर्ड एरे डेट स्टोर द कॉस्ट वैल्यूज ऑफ द फर्स्ट एरे, यानी कि हमें क्या करना है, एक थर्ड एरे क्रिएट करना है जो कि फर्स्ट एरे की कॉस्ट वैल्यूज को स्टोर करेगा। तो यही काम हम करते हैं। अब हमें इस वाले पार्ट की जरूरत नहीं है तो इन कमांड्स को हम हैश टैग बना देते हैं, हम इन्हें कमेंट कर देते हैं ताकि अगर बाद में जरूरत हो तो हम यूज कर दें। डिलीट करेंगे तो फिर हम बाद में यूज नहीं कर पाएंगे। इन तीनों कमांड्स को हमने यहाँ से हैश टैग कर दिया, यानी कि अब ये कमेंट बन गई, हमारा कंपाइलर इंटरप्रेटर इन कमांड्स को रीड नहीं करेगा। अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट, हमें एक थर्ड एरे क्रिएट करना है और उसमें हमें फर्स्ट एरे की कॉस्ट वैल्यूज जो है वो स्टोर करनी है। तो यहाँ पे एनपी डॉट कॉस्ट और फर्स्ट एरे की कॉस्ट वैल्यूज क्रिएट करनी है, इसलिए एआर जो है वो मेंशन कर दिया। अब देखते हैं आगे क्या कहता है। एंड देन प्लॉट बोथ द सेकेंड एंड थर्ड वर्सेस फर्स्ट एरे। अब ये कह रहा है कि हमें दोनों के लिए ग्राफ प्लॉट करना है, सेकेंड एंड थर्ड वर्सेस फर्स्ट एरे, यानी कि फर्स्ट एरे का हमें सेकेंड के साथ भी प्लॉट करना है और फर्स्ट एरे का हमें थर्ड के साथ भी प्लॉट करना है। सेकेंड एंड थर्ड वर्सेस फर्स्ट का मतलब क्या है कि सेकेंड वर्सेस फर्स्ट भी प्लॉट करना है और थर्ड वर्सेस फर्स्ट भी हमें प्लॉट करना है। The cost values should be plotted with dash dotted line, और जो cost values होंगी वो हमारी dash dotted line से plot होनी चाहिए, ठीक है। तो हम करते हैं, अब हमें दोनों ग्राफ प्लॉट करने हैं तो हम दोनों के लिए कमांड देंगे pl dot plot। एक हम देंगे लॉगरिथमिक वैल्यूज के लिए तो उसमें हमने दे दिया ar कोमा ar2, ठीक है। उसके लिए उन्होंने कुछ नहीं बोला कैसी लाइन होनी चाहिए, क्या कुछ होना चाहिए, तो हम अपनी तरफ से कोई एडिशनल फंक्शनैलिटी नहीं दे रहे, हमने सिंपल लाइन ड्रॉ कर दी। नेक्स्ट है pl डॉट प्लॉट। अब जब हम थर्ड वर्सेस फर्स्ट करेंगे तो x एक्सिस पे तो हमने ar ही रखा, y एक्सिस पे हमारा ar3 आया, लेकिन उन्होंने क्या बोला है कि जो ये कोस वाली लाइन है वो कैसी होनी चाहिए, डैश डॉटेड लाइन होनी चाहिए। तो इसलिए हम यहाँ पे लाइन स्टाइल स्पेसिफाई करेंगे ls इज इक्वल टू डैश डॉट। अब हम इसे रन करेंगे तो अब जो हमारा ग्राफ आएगा, ये देखिए ये हमारे दो चार्ट्स जो हैं वो ड्रॉ हुए, सेम ग्राफ में हमारी दो लाइन आ रही है। ये ब्लू वाली जो है वो हमारी लॉग वैल्यूज को शो कर रही है और ये ऑरेंज वाली जो है जो डैश डॉट की लाइन है वो हमारी कॉस्ट वैल्यूज को शो कर रही है। तो हमारा सेकंड पार्ट भी जो है वो कंप्लीट हो गया। एक बार हम इसे बुक से भी चेक कर लेते हैं, बुक में किस मेथड से किया हुआ है। ये देखिए बिल्कुल सेम मेथड उन्होंने यूज किया हुआ है। पहले एक थर्ड एरे क्रिएट किया एनपी डॉट कॉस्ट, इससे हमें फर्स्ट एरे की कॉस्ट वैल्यूज मिल गई। उसके बाद हमें प्लॉट क्या करना है, सेकंड एंड थर्ड वर्सेस फर्स्ट। तो पहले हमने सेकंड वर्सेस फर्स्ट को ड्रॉ किया और उसके बाद हमने थर्ड वर्सेस फर्स्ट को ड्रॉ किया। जब हमने थर्ड वर्सेस फर्स्ट किया तो उन्होंने बोला हुआ था कि कोस्ट वाली लाइन जो है वो डैश डॉटेड होनी चाहिए, तो इसलिए यहाँ लाइन स्टाइल क्या ले लिया, डैश डॉट ले लिया। अब यहाँ पे ये देखिए हमने लाइन स्टाइल के लिए कीवर्ड क्या यूज किया था, एलएस, और यहाँ पे क्या यूज किया है उन्होंने, लाइन स्टाइल। लेकिन अभी अभी आपने पढ़ा ही था कि आप लाइन स्टाइल या एलएस में से कुछ भी यूज कर सकते हो और आपने देख भी लिया कि दोनों जो है वो बिल्कुल सेम वर्क करते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है, चेंज द मार्कर टाइप एज सर्कल विद ब्लू कलर इन द सेकेंड एरे। जो हमारा सेकेंड एरे है हमें उसमें मार्कर टाइप क्या स्पेसिफाई करना है, सर्कल, और कलर क्या स्पेसिफाई करना है, ब्लू कलर। तो वही हम करेंगे। कलर तो डिफॉल्ट भी ब्लू है बट क्योंकि हमें उन्होंने बोला है करने के लिए तो हम यहाँ स्पेसिफाई करेंगे। तो कलर कोड और मार्कर टाइप हम एक साथ दे सकते हैं। कलर कोड हमें ब्लू देना है तो उसके लिए सिंबल बी, और मार्कर टाइप हमें सर्कल देना है तो उसके लिए सिंबल ओ। इसे सेव कर दिया और अब इसे रन करते हैं। तो ये देखिए ये हमारे मार्कर टाइप हमारा ब्लू, हमारा सर्कल आया और कलर क्या आया, ब्लू आया। अब ये देखिए इन्होंने हमें लाइन स्टाइल देने के लिए नहीं बोला था तो इसलिए हमने यहाँ लाइन स्टाइल नहीं दिया, हमने सिर्फ कलर कोड और मार्कर टाइप दिया। तो इसलिए हमारा चार्ट जो है वो कैसा बना, स्कैटर्ड बना। अगर हमें यहाँ लाइन भी ड्रॉ करनी है तो उसके लिए हम लाइन स्टाइल जो है वो स्पेसिफाई कर देंगे। ठीक है, हम बुक में देख लेते हैं कि उन्होंने किस तरीके से किया है। तो ये देखिए उन्होंने यहाँ पे क्या किया है, थर्ड एरे क्रिएटेड था ही क्योंकि थर्ड हमारा जो थर्ड पॉइंट है उसमें सिर्फ एक चेंज करना है कि जो लॉगरिथमिक वाली वैल्यूज जो थी वो हमारी इन्होंने थर्ड एरे के साथ चेंज किया है। हम एक बार क्वेश्चन वेरीफाई कर लेते हैं। चेंज द मार्कर टाइप एज सर्कल विद ब्लू कलर इन सेकेंड एरे। इन्होंने सेकंड एरे में बोला है और सेकंड एरे जो है वो हमारा लॉग वाला एरे था तो इसलिए हमें उसमें चेंजेस करने हैं। और बुक में जो इन्होंने सॉल्व किया उसमें इन्होंने क्या किया है, इस केस में इन्होंने थर्ड एरे के साथ ये चेंजेस अप्लाई कर दिए। तो ये थर्ड एरे, लेकिन क्वेश्चन में सेकंड एरे के साथ करने को बोला है तो आप यहाँ सेकंड एरे के साथ ही करेंगे क्योंकि हमें जो क्वेश्चन दिया होता है हम उसी के अकॉर्डिंग प्रोग्राम करते हैं। यहाँ उन्होंने बाय मिस्टेक ये थर्ड एरे के साथ अप्लाई कर दिया है। थर्ड एरे में लाइन स्टाइल हमारे पास डैश डॉटेड था तो इसीलिए उस लाइन में हमारे ये सर्कल्स बनके यहाँ पे शो हो गए और स्कैटर चार्ट जो है वो ड्रॉ नहीं हुआ। आप चाहें तो ये जो बुक वाला मेथड है वो भी यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। मान लीजिए ये ब्लू कलर और ये मैं यहाँ की बजाय हम थर्ड एरे के साथ दे देते हैं। इधर कलर हमें देना है ब्लू और मार्कर स्टाइल हमें देना है। ठीक है, अब जब हम इसे रन करेंगे तो ये देखिए हमारी लॉगरिथमिक वाली वैल्यू जो है उसमें चेंज नहीं हुआ। इस सेकंड वाले केस में लाइन का कलर क्या हो गया, ब्लू हो गया, मार्कर स्टाइल क्या हो गया, सर्कल, और लाइन कैसे ड्रॉ हुई है, डैश डॉटेड। तो बुक में जो दिया हुआ है अगर हम उस कमांड को लिखेंगे तो हमारा आउटपुट बिल्कुल वैसा आया है जैसा कि यहाँ बुक में शो किया गया है, वही हमारा आउटपुट है। बट एक्चुअल में क्वेश्चन में उन्होंने सेकंड एरे में करने को बोला है तो हमारा सही तरीका वही है जो हमने पहले रन किया था। ठीक है, अब हम देखते हैं लास्ट पॉइंट क्या कहता है। क्रिएट स्कैटर्ड चार्ट एज दिस सेकंड एरे डाटा पॉइंट्स एज ब्लू स्मॉल डायमंड, थर्ड एरे डाटा पॉइंट एज ब्लैक सर्कल। फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है उसमें ये कह रहा है कि इस बार हमें स्कैटर्ड चार्ट ड्रॉ करना है। जो सेकंड एरे है उसमें ब्लू डायमंड्स ड्रॉ करने हैं और जो थर्ड एरे है उसमें ब्लैक सर्कल्स ड्रॉ करने हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ से स्कैटर चार्ट ड्रॉ करना है तो लाइन स्टाइल की तो जरूरत ही नहीं है। अब जो हमारा फर्स्ट वाला है उसमें उसने क्या बोला है, ब्लू डायमंड्स। तो ब्लू डायमंड्स के लिए हम कलर के लिए कोड लिया बी और डायमंड्स के लिए कोड लिया डी। थर्ड वाले केस में हमें ब्लैक सर्कल्स ड्रॉ करने हैं तो यहाँ पे हमने कलर कोड लिया के क्योंकि ब्लैक के लिए हमारा कलर कोड होता है के और सर्कल के लिए हमारा सिंबल होता है ओ। तो इसके साथ ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब जब हम इसे ड्रॉ करेंगे तो ये देखिए हमारा स्कैटर्ड चार्ट ड्रॉ हुआ है और जो लॉगरिथमिक वैल्यू थी वो ब्लू डायमंड से शो हो रही है। ये हमारी लॉगरिथमिक वैल्यूज जो है वो ब्लू डायमंड से शो हो रही हैं और कोस वैल्यूज जो है वो ब्लैक सर्कल्स से शो हो रही हैं। आप चाहें तो इसे बुक से वेरीफाई भी कर सकते हैं। ये देखिए क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है, आगे और कुछ नहीं है इसमें। अब हम लास्ट पार्ट देख लेते हैं सॉल्यूशन का कि बुक में उन्होंने कैसे किया है। देखिए अब यहाँ से भी आप ये भी चेक कर सकते हैं कि जब सेकंड एरे में ब्लू डायमंड बोला है तो इन्होंने सेकंड कमांड में स्पेसिफाई किया तो यानी कि सी पार्ट में वो मिसप्रिंट था। यहाँ देखिए अब ये सेकंड एरे के लिए ब्लू डायमंड दिया है तो ये ब्लू कलर के डायमंड्स जो हैं वो रिप्लेस हो गए। यहाँ अगेन इन्होंने थर्ड पार्ट में दे दिया है रेड सर्कल, लेकिन क्वेश्चन में हमें आई थिंक ब्लैक सर्कल्स बोला गया था। ये देखिए क्वेश्चन में हमें ब्लैक सर्कल बोला गया था तो हमें कलर कोड के एंड सर्कल के लिए ओ प्रोवाइड करना है। ये अगेन यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक ही है बट अगर हम यहाँ पे आरओ देंगे तो हमारा इस टाइप का ग्राफ जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा, बट हमें ब्लैक सर्कल्स करने थे तो ब्लैक सर्कल्स हमारे केओ से इस तरीके से डिस्प्ले हो जाएंगे, ये आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारा प्लॉट फंक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया है। प्लॉट फंक्शन की हेल्प से हमने लाइन चार्ट भी समझ लिया, प्लॉट फंक्शन की हेल्प से हमने स्कैटर चार्ट भी समझ लिया। अब स्कैटर फंक्शन को यूज करके स्कैटर चार्ट ड्रॉ करने के लिए हमारे पास ये जो है ये हमारा नेक्स्ट फंक्शन है, बट इस फंक्शन को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, वहां पे हम स्कैटर फंक्शन की फंक्शनैलिटी को जो है डिटेल में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफी है। पहले आप प्लॉट फंक्शन को अच्छे से रिवाइज कीजिए, समझिए, उसमें जो भी आपको डाउट्स आ रहे हैं वो डाउट्स आप पूछिए। कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि आपको वीडियो समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, आपको कहाँ पे क्या इश्यू आ रहा है। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत जरूरी है, तो आप अपना फीडबैक जरूर प्रोवाइड कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।